नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। दोस्तों, सभी साथियों का उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर उत्कर्ष परिवार की तरफ से मैं महेंद्र चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज अपन पढ़ रहे थे और एनसीईआरटी सीरीज में कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 व कक्षा 9, ये चार वीडियो अपन पहले पढ़ चुके थे। आज कक्षा 9 का ही आरबीएसई वाला जो पोर्शन है वो अपन पढ़ रहे हैं। पिछली बार कक्षा 9 जो आधुनिक राजस्थान वाला पोर्शन था अपना, वो पढ़ रहे हैं। यानी मैं इसको यूं कह सकता हूं कि कक्षा 9 का पार्ट 1, जिसमें राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजाति, प्रजामंडल, फेमस पर्सनैलिटीज, पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरनेस और इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, ये सारा पोर्शन अपन ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आज कक्षा 9 का ही पार्ट 2 अपन कह रहे हैं, जो राजस्थान अध्ययन, जो राजस्थान बोर्ड की बुक है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें अपन इस सेशन के अंतर्गत करेंगे। तो बिना वक्त जाया किए कक्षा 9 के इस पार्ट 2 यानी आरबीएसई वाला जो राजस्थान अध्ययन की किताब है, उससे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, आरएस प्री के लिए एनसीईआरटी की बुक किसी वरदान से कम नहीं है। वरदान से कम नहीं है का मतलब, अगर कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12, इन तमाम पुस्तकों को अगर गहनता से अध्ययन कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि 70-75% पेपर इन्हीं बुक्स को फॉलो करते हुए बनाया जाता है और बाकी जो बातें बच जाती है वो अपन क्लास में या व्याख्या के दौरान इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अपन इधर उधर करते ही है, और भी अपन समय समय पर लेक्चर रहते रहते हैं, उनके माध्यम से वो सारे डाटा आपके क्लियर हो जाते हैं। तो बिना वक्त जाए शुरू करें कक्षा 9 राजस्थान अध्ययन आरबीएसई की बुक से। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, क्योंकि हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन वाली दोनों किताबें जो है उनके अंदर कुछ सिमिलर डाटा भी है, तो जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाए। तो रिपीट क्वेश्चन को आपको यूं समझना कि ये अति महत्वपूर्ण है, इसलिए रिपीट हुआ होगा। तो कक्षा 9 के लेवल के अकॉर्डिंग, कक्षा 9 की बुक के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अध्याय फर्स्ट। इसमें देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है, अनमैच्ड पेयर कौन सा है, असंगत जोड़ा कौन सा है, वो आपको छांटना है। भरतपुर राजन्य जनपद, चित्तौड़गढ़ सिवी जनपद, अलवर सालवे जनपद, श्री गंगानगर मालवे जनपद, जनपद के टॉपिक से है। आप कहेंगे सर जनपद तो हमारे आरएस के सिलेबस में ही नहीं है। बिल्कुल है, आप जब आरएस के सिलेबस को चेक करेंगे तो दूसरी लाइन देखो, पहली लाइन लिखी हुई राजस्थान के पुरातात्विक स्थल, और उसमें लिख रखा है कि पाषाण काल से कांस्य युग तक की सभ्यताएं। उसके बाद अगली लाइन आपके सिलेबस में लिख रखी है कि प्रारंभिक ईस्वी के महत्वपूर्ण केंद्र, समाज, धर्म। तो प्रारंभिक ईस्वी के महत्वपूर्ण केंद्र जहां टॉपिक लिखा हुआ है, वहां पर जनपद और कुछ महत्वपूर्ण स्थान उन्हीं को वहां पर पढ़ना है। तो यहां पर वहीं से प्रारंभिक ईस्वी के महत्वपूर्ण केंद्र जो आपके सिलेबस में लाइन लिखी हुई है, वहीं से यह क्वेश्चन पुटअप किया गया है कक्षा 9 की बुक में से। कौन सा जोड़ा अनमैच्ड है यह आपको छांटना है। एक तरफ क्षेत्र लिखा हुआ है और एक तरफ जनपद लिखा गया है, यानी कौन से जनपद का विस्तार कौन से क्षेत्र में नहीं था। सबसे पहले भरतपुर राजन्य जनपद, बिल्कुल सही बात है, भरतपुर और अलवर के आसपास का क्षेत्र, अलवर का कुछ भाग, धौलपुर का कुछ क्षेत्र, ये राजन्य जनपद में आता था। हालांकि अलवर का ज्यादातर जो भौतिक भूभाग था वो मत्स्य जनपद का भाग था, लेकिन कुछ क्षेत्र राजन्य जनपद में भी आता था। इसका मतलब पहला जोड़ा तो बिल्कुल सही है, अपने को तो अनमैच्ड छांटना है। चित्तौड़गढ़ सिवी जनपद, बिल्कुल अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका, माध्यमिका, माध्यमिका जिसे नगरी भी कहते हैं, जो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। अलवर सालवे जनपद, बिल्कुल सही, देखो अलवर में तीन जनपद विस्तृत हो गए, मत्स्य, सालवे और राजन्य, बिल्कुल सही है सालवे जनपद अलवर। श्री गंगानगर मालव जनपद, नहीं ये गलत है, मालव जनपद कारकोट नगर, कारकोट नगर ध्यान रहे, कारकोट नगर जो कि आपका नगर कहते हो वर्तमान में, टोंक के आसपास वाला क्षेत्र था, मालव वाला गलत है। श्री गंगानगर मालव नहीं होगा, अनमैच्ड पेयर डी होगा। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र था इसे योद्धे जनपद कहा जाता है, इसे योद्धे जनपद कहा जाता है, ध्यान रखना, गंगानगर और हनुमानगढ़ का। विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य राजस्थान में मौर्यों के अधिकार की पुष्टि नहीं करता है? यानी नीचे कुछ अभिलेख लिखे हुए हैं, कुछ शिलालेख लिखे हुए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा शिलालेख है जो मौर्य वंश के राजस्थान में अधिकार का दावा नहीं करता है, ये अपने को ध्यान रखना है। बैराट अभिलेख, सामोलिका अभिलेख, कणसुआ अभिलेख, कुमारपाल प्रबंध, कौन सा ऐसा अभिलेख है? देखो बैराट का अभिलेख बिल्कुल सही बात है, ये मौर्यों के साक्ष्य करता है। तो क्योंकि बैराट का जब उत्खनन किया गया था तब बैराट की बिजक डोंगरी से अपने बाबरू शिलालेख खोजा था, और बाबरू शिलालेख में तो साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई ये शिलालेख अशोक मौर्य ने स्थापित करवाया था, जो कि बौद्ध धर्म का फॉलोवर्स था, बौद्ध धर्म को अनुयायी था, संघ धम्म बुद्ध बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जैसे शब्दों का उल्लेख भी वहां पर किया गया था, वहां पर अशोक द्वारा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख भी किया गया था, यानी अशोक काल, अशोक मौर्य उनके काल का शिलालेख है, तो ये तो करता ही करता है। कुमारपाल प्रबंध बिल्कुल मौर्यों का प्रमुख ग्रंथ है कुमारपाल प्रबंध। कणसुआ शिलालेख, कणसुआ शिलालेख कहां पर है? कोटा के अंदर है, और ये ध्यान रखना बिल्कुल करता है, और इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि मौर्य राजा धवल ने यहां पर कणसुआ शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी मौर्य शासक, और मौर्य शासक में भी बताओ कौन? धवल, उसका उल्लेख करने वाला शिलालेख है कणसुआ। सामोलिका शिलालेख ये नहीं करता है, ध्यान रखना, बिल्कुल गलत आंसर होगा ऑप्शन बी। सामोलिका शिलालेख सामोली नाम का एक गांव है, वहां से खोजा गया था, चित्तौड़गढ़ में खोजा गया था, चित्तौड़गढ़ से खोजा गया था, और ये 646 ईस्वी का शिलालेख है जो कि शिलादित्य सेकेंड के काल में खोजा गया था, ध्यान रखिएगा। ये गुहिल वंश की उत्पत्ति का काल निर्धारित करने वाला है, गुहिल वंश की उत्पत्ति, यानी गुहिल वंश की उत्पत्ति या गुहिल वंश की स्थापना लिख सकता हूं मैं, गुहिल वंश की स्थापना की तिथि निर्धारण, तिथि निर्धारण इसी शिलालेख के अकॉर्डिंग की गई है, ध्यान रखना, क्योंकि गुहिल वंश की स्थापना अपने पढ़ते हैं कि 566 एडी 566 ईस्वी के अंदर हुई थी। ये जानकारी अपने को मिलती कहां से? अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गुहिल वंश का मूल पुरुष गुहादित्य था, जिन्होंने 566 ईस्वी के अंदर गुहिल वंश की स्थापना की थी। कहां ये एविडेंस है अपने पास, कहां ये रिटर्न हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है कि गुहिल वंश की स्थापना 566 एडी के अंदर हुई थी? ये एविडेंस अपन ने सामोली शिलालेख को बेस बना करके निकाला है, क्योंकि सामोली शिलालेख 646 ईस्वी का है, और इस शिलालेख में शिलादित्य ने जब यह शिलालेख लगाया था तो उसमें लिखा गया कि भाई शिलादित्य से पहले गुहिल वंश के चार राजा आए थे, और जब चार राजाओं के आने का उल्लेख मिला तो अपने इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यार एक राजा कितने एक साल तक शासन करके गया होगा, अगर एवरेज टाइम पीरियड निकाला जाए तो एक राजा का लगभग शासन काल 20 साल होता है, तो 20 × 4 = 80, और इस 566 में से 80, 646 में से 80 घटाया तो 566 ईस्वी आ गया, यानी गुहिल वंश की उत्पत्ति 566 एडी 566 ईस्वी में हुई थी। ये किस शिलालेख के बेस पर कहा गया था? सामोली शिलालेख के बेस पर कहा गया था, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त 646 ईस्वी का ये शिलालेख है जो मौर्यों के अधिकार का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। ऑप्शन क्रमांक बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है, अनमैच्ड कौन सा है? फिर वही, एक तरफ कुछ जनपद के नाम लिखे गए हैं और सामने उनके कैपिटल्स लिखे गए हैं, सामने उनकी राजधानियां लिखी गई है, और छांटना है कि कौन सा जोड़ा असंगत है। सूरसेन जनपद मथुरा, मत्स्य जनपद विराट नगर, सीवी जनपद इंद्रप्रस्थ, मालव जनपद नगर, नगर कहां पर है? टोंक के अंदर। देखो सूरसेन जनपद बिल्कुल सही है, मथुरा होगा, क्योंकि सूरसेन राजस्थान के किस क्षेत्र में फैला हुआ था? भरतपुर वाले क्षेत्र में फैला हुआ था, लेकिन इसकी राजधानी मथुरा थी, बिल्कुल सही है। मत्स्य जनपद विराट नगर बिल्कुल सही है, मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर थी, और ये उल्लेख तो अपने को कई जगह से मिलता है। अपन ये भी जानते हैं कि पांडवों को जो 12 वर्ष का वनवास और एक साल का अज्ञातवास था वो ज्यादातर उन्होंने मत्स्य जनपद के आसपास वाले क्षेत्र में बिताया था। बैराट के राजा विराट की पुत्री उत्तरा से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह भी हुआ था, कई ऐसे अपने पास हिस्टोरिकल एविडेंस है, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। फिर लिखा हुआ है सीवी, सीवी इंद्रप्रस्थ नहीं, इंद्रप्रस्थ यहां कहां आ गया? हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ ये अलग रीजन रह गया था। सीवी जनपद की जो राजधानी है वो कैपिटल है माध्यमिका,
माध्यमिका, माध्यमिका जिसे वर्तमान में अपन नगरी कहते हैं, नगरी, और नगरी कहां पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़। और इसका उल्लेख ध्यान रखना पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में भी किया है। और मालव नगर जिसे कारकोट नगर वर्तमान टोंक जिले को कहते हैं, तो यहां पर जो अनमैच्ड पेयर होगा आपका ऑप्शन सी होगा। सीवी जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ नहीं थी, सीवी जनपद की राजधानी माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ थी। नेक्स्ट, वर्तमान राजस्थान, वर्तमान का जो अपना राजस्थान है, नामक भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द किसने प्रयुक्त किया था, यानी अपने राजस्थान के लिए राजपूताना वर्ड का सबसे पहली बार यूज करने वाला बंदा कौन था? जॉर्ज थॉमस, जेम्स टॉड, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन तो नहीं है, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन का कोई लेना देना नहीं। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन कौन है? राजस्थानी भाषा का सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, वैज्ञानिक विभाजन करने वाला बंदा, वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला बंदा था जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, जिसने 1907-08 में बुक लिखी थी द लैंग्वेस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। उस बुक में राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, राजस्थानी भाषा से संबंधित है। जेम्स टॉड, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान एंड द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया, ये दो बुक्स टॉड ने लिखी थी। और इन दो बुक्स में कर्नल टॉड ने रायथन शब्द का यूज किया, और फिर रायथन के अलावा राजस्थान शब्द का यूज किया था। अगर कोई पूछता कि भाई राजस्थान शब्द का पहली बार यूज किसने किया, तो अपन बताते वो कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। तो फिर आंसर क्या होगा? जॉर्ज थॉमस होगा। ध्यान रहे 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा इस प्रदेश के लिए, वर्तमान इस राजस्थान भूभाग के लिए कौन सा वर्ड दिया गया था? राजपूताना वर्ड दिया गया था। लेकिन यहां पर भी ध्यान देने योग्य बात यह है, क्योंकि स्कूल लेक्चरर 2016 वाली जो वैकेंसी थी, फर्स्ट ग्रेड 2016, उसमें एक उल्टा क्वेश्चन पूछा था। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि राजपूताना शब्द का पहली बार लिखित प्रयोग किसने किया था। जॉर्ज थॉमस ने किसी बुक्स वगैरह में कहीं पर रिटन में ये वर्ड यूज नहीं किया था, ओनली मौखिक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो क्षेत्र है ये राजपूताना है। इन रिटन सबसे पहली बार लिखा किसने था, तो ध्यान रखना लिखित प्रयोग अगर सबसे पहली बार पूछ ले, जो कि स्कूल व्याख्याता में पूछा गया है, लिखित प्रयोग 1805 AD 1805 में हुआ था, जबकि मौखिक प्रयोग राजपूताना वर्ड का 1800 ईस्वी में हुआ था। और 1805 में विलियम फ्रैंकलिन, ये शब्द पहली बार लिखित रूप में राजपूताना शब्द देने वाला बंदा था विलियम फ्रैंकलिन। इन्होंने 1805 में एक बुक लिखी थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। उस द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में रिटन यानी लिखित रूप से राजपूताना वर्ड का यूज करने वाला बंदा था विलियम फ्रैंकलिन। और मौखिक रूप से पहली बार बंदा जिसने यूज किया था वो था जॉर्ज थॉमस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल पर निर्माण कार्य में धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, यानी ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सबसे पहले, देखो धूप में पकाई गई ईंटों के साक्ष्य एक दो स्थानों से और भी मिलते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि किस पूरा स्थल पर निर्माण कार्य में धूप से पकाई गई ईंटों के प्रथम बार साक्ष्य मिलते हैं। तो इनमें ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका कालीबंगा। कौन सा आंसर होगा? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के किनारे कौन से जिले में पड़ती है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी कैपिटल, तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा था। कालीबंगा एक पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा, बंगा, बंगा का मतलब बंगा से बड़ा बेंगल्स, बेंगल्स का मतलब चूड़ियां। तो कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां, आपका यहां से धूप में पकाई गई ईंटों का यूज हुआ है, तो कालीबंगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी तथा धूलकोट से के नाम से भी जाना जाता है? गणेश्वर, आहाड़, रंगमेल, बैराट। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बैराट को नहीं कहा जाता, बैराट के दो उपनाम है,
एक तो बैराट को कहा जाता प्राचीन युग की चित्रशाला, क्योंकि चित्रकला के यहाँ पर सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, पूरा पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं, तो प्राचीन युग की चित्रशाला। और एक बौद्ध धर्म की कल्चरल कैपिटल, यानी बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी, बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी, ये किस स्थान को कहा जाता है? बैराट को कहा जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म के यहाँ से खूब सारे एविडेंस मिले हैं। रंग महल नहीं, गणेश्वर नहीं, गणेश्वर के कई सारे उपनाम है। गणेश्वर को एक तो कहते हैं ताम्र संचय निधि, ताम्र संचय निधि, यहां इतना तांबा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तांबा निर्यात करते थे, इसलिए ताम्र संचय निधि कहा जाता है। इसी को कहा जाता पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर, यह भी इसी को कहा जाता है। इसी के अलावा कहा जाता ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र यानी ताम्र युग की जितनी भी राजस्थान से सभ्यताएं मिली है उनमें सबसे प्राचीन यही है, इसलिए ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ये भी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके गणेश्वर को। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आहाड़। आहाड़ इसे स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। इसी का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था, ताम्रवती नगरी था। इसी को कहा जाता है अगाटपुर, क्या कहा जाता है? अगाटपुर। ऐसे खूब सारे नाम है इस आहाड़ के, लेकिन अभी एक एग्जाम में पूछा था कि आहाड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है, और उसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हुए थे, कई सारे उत्तर गलत भी बताकर आए थे। ध्यान रहे आहाड़ सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी है। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्रमांक जो बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बैराट स्थित, बैराट स्थित बिजक डूंगरी से अशोक का भाबरू शिलालेख निम्नलिखित में से किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज थॉमस। यानी बैराट स्थित बिजक डूंगरी से, बैराट में बिजक डूंगरी, वहां तीन डूंगरियों से अपने को पता है कि साक्ष्य मिले हैं, बिजक डूंगरी से साक्ष्य मिले हैं, और भी एक दो डूंगरियों से साक्ष्य खोजे गए थे, टोटल तीन डूंगरियों पर उत्खनन हुई थी, वहां से एक भाबरू शिलालेख मिला है। भाबरू, देखो एक तो ये याद रखना कि भाबरू शिलालेख का मतलब क्या है, इसका नाम भाबरू शिलालेख क्यों है? क्योंकि ये शिलालेख खोजा तो बैराट से गया था, लेकिन बैराट से खोज करके आप कभी उस साइड जाएंगे तो बैराट के जस्ट आगे गांव पड़ता भाबरू, उस भाबरू गांव के अंदर काफी दिनों तक ये शिलालेख पड़ा रहा था, इसलिए उस शिलालेख का नाम भाबरू शिलालेख हो गया। भाबरू यहां पर एक स्थान का नाम है, गांव का नाम है, जबकि ये शिलालेख भाबरू से नहीं खोजा गया है, ये बैराट से खोजा गया है। और ये शिलालेख खोजने वाला बंदा बताओ कौन था? कैप्टन बर्ट था। कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 ईस्वी के अंदर इस शिलालेख की खोज की गई थी, थोड़ा सा याद रखना है। और ये जो भाबरू शिलालेख है इसका लिथोग्राफ किसने तैयार किया? लिथोग्राफ का मतलब इसे पढ़ने योग्य लैंग्वेज में किसने कन्वर्ट किया था? तो इसको तैयार किया था कैप्टन किटोई ने, कैप्टन किटोई। यानी भाबरू शिलालेख के खोज करता तो है कैप्टन बर्ड, जबकि इसी शिलालेख का लिथोग्राफ तैयार करने वाला बंदा है कैप्टन किटोई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि और पशुपालन में दोनों बोल सकता हूं, लेकिन पशुपालन के तो सबसे प्राचीन, कृषि के तो एक दो जगह से और भी अप्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं, तो कहां से मिले हैं? बालाथल नहीं, बालाथल उदयपुर में है। यहां से सूती कपड़े के थोड़े बहुत साक्ष्य मिले हैं, हालांकि सूती कपड़े का प्रथम साक्ष्य बैराट से मिला है, बालाथल तो नहीं होगा। तिलवाड़ा, हाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं ध्यान रखना, लेकिन सबसे प्राचीन नहीं है तिलवाड़ा के अंदर, क्योंकि ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है, मध्य पाषाण काल का स्थल है, मध्य पाषाण कालीन। और कालीबंगा, कालीबंगा से पशुपालन कृषि के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन सबसे प्राचीन नहीं, क्योंकि कालीबंगा कांस्य युग की सभ्यता है, सबसे पुरानी तो पाषाण काल वाली होगी, अतः इसका सही उत्तर डी होगा, बागोर। बागोर भी मध्य पाषाण काल का एक क्षेत्र है, मध्य पाषाण काल का, लेकिन सबसे पहले बागोर से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना, पशुपालन के सबसे प्राचीन बागोर कहां पर है? तो बागोर कोठारी नदी के तट पर है, कोठारी नदी, कोठारी नदी के तट पर कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के तट पर कौन से जिले में है? भीलवाड़ा, जहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? एक तरफ कुछ इतिहासकारों के नाम लिखे गए हैं और सामने राजपूतों की उत्पत्ति के मत लिखे गए हैं, यानी कौन सा इतिहासकार राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में मत देता और वो यहां पर लिखे गए मतों में सही सुमेकित नहीं है, असंगत जोड़ा अपने को छांटना है? तो जी एच ओजर, प्राचीन क्षत्रियों के वंशज, जेम्स टॉड, शक और सीतनियोनों के वंशज, डॉक्टर भंडारकर चंद्रवंशीय, चंद्रबरदाई अग्निवंशीय। बताइएगा दके कौन सा जोड़ा। देखो चंद्रबरदाई अग्निवंशीय, चंद्रबरदाई ने अग्निकुंड सिद्धांत दिया था, अग्निकुंड का सिद्धांत अपने ग्रंथ पृथ्वीराज राजसों के अंदर, और अपने को छोटी क्लास से पढ़ाया जा रहा है कि चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज राजसों के अनुसार वशिष्ठ मुनि नामक एक ऋषि थे जिन्होंने आबू पर्वत के ऊपर एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ में कुछ असुरों ने अवरोध उत्पन्न किया था, तब वशिष्ठ मुनि ने प्रभु से इस यज्ञ को सफल बनाने की प्रार्थना की थी, तब प्रभु ने इस यज्ञ के सफल आयोजन के लिए चार योद्धाओं को भेजा था, सबसे बड़ा योद्धा प्रतिहार, उसके बाद प्रमार, उसके बाद चालुक्य अथवा सोलंकी और सबसे छोटे चौहान। तो ये चार जो राजपूतों के वंश थे इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से यानी अग्नि वंश से हुई है, ये मत तो चंद्रबरदाई ने दिया था, ये तो 100% सही बात है, अपने को तो अनमेज पे छांटना है। जी एच ओजा ने इन्हें वैदिक आर्यों का वंशज अर्थात प्राचीन क्षत्रिय कहा है, ये बात भी सही है। जेम्स टोड इनकी उत्पत्ति का विदेशी मत देते हैं और टोड लिखते हैं कि विदेश की चार जातियां शक, सीतियन, हूण, कुषाण वो भारत पर अटैक करने के लिए आई थी, उनमें से शक और सीतियनों के वंशज है, और डी आर भंडारकर चंद्रवंशीय, ये गलत है। डी आर भंडारकर इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन बताओ कौन सी जाति से जोड़ते हैं, हूण जाति से जोड़ते हैं, चंद्रवंशीय नहीं बताते हैं, अतः आपका ऑप्शन क्रमांक कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मेवाड़ राजवंश का आदि पुरुष माना जाता है, यानी मेवाड़ राज परिवार का आदि पुरुष कौन माना जाता, अल्लट, गुहिल, बप्पा रावल, उपयुक्त में से कोई नहीं। मेवाड़ राजवंश यानी मैं सिंपल सा यूं कहना चाहूं तो यूं कह सकता हूं मेवाड़ के अंदर कौन सा, गुहिल, गुहिल वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है, मूल पुरुष जिसने गुहिल वंश के, आदि पुरुष का मतलब होता है जो संस्थापक हो, आदि पुरुष के स्थान पर वो मूल पुरुष शब्द का यूज भी कर सकता है कि गुहिलों का मूल पुरुष जो संस्थापक होता है, संस्थापक राजा होता है, उसके लिए यह वर्ड यूज होता है। अल्लट नहीं, अल्लट बहुत बाद में आए थे। हाँ, अल्लट मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है, मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था का जनक अल्लट को माना जाता है, नौकरशाही व्यवस्था इसका जनक माना जाता अल्लट को, बप्पा रावल नहीं, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है लेकिन पहली बार इसने स्थापना नहीं की थी, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल, क्योंकि 734 ईस्वी के अंदर मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था बप्पा ने, लेकिन बप्पा ने अपनी राजधानी नागदा को बनाए रखा था, इसलिए इस गुहिलों का साम्राज्य विस्तार करने के लिए, गुहिलों का साम्राज्य विस्तार कर कंस्ट्रक्शन जैसे एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवा दिया था, इसलिए गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है, लेकिन गुहिल, गुहिल बिल्कुल सही है, 566 के अंदर राजा गुहिल के द्वारा गुहिल वंश की स्थापना की गई थी, 566 ईस्वी के अंतर्गत गुहिल, जो कि वल्लभी नगर गुजरात के राजा शिलादित्य एवं आबू की राजकुमारी जिनकी शिलादित्य से शादी हो गई थी पुष्पावती, उनके पुत्र वा करते थे गुहिल, गुहिल का लालन पालन कमलावती नामक एक ब्राह्मण महिला ने किया था, गुफाओं में लालन पालन हुआ था, इसलिए इनका नाम गुहिल या गुहा रख दिया गया था, गुहादित्य भी आप कह सकते हो, 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मुणहोत नैनसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है, गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है, ध्यान रखना मुणहोत नैनसी ने गुर्जर प्रत्यारों की शाखाएं, शाखाओं का मतलब मुणहोत नैनसी कहना चाह रहा है कि भाई गुर्जर प्रत्यारों ने टोटल कितनी जगह अपना साम्राज्य बना रखा था, क्या केवल राजस्थान में मंडोर में सीमित थे या उज्जैन में भी थे, कन्नौज में भी थे, बड़ोच में भी थे, राजौरगढ़ में भी थे, कहां कहां थे, टोटल इनका एम्पायरमेंट कितनी जगह पर था, कितनी ब्रांच इनकी थी गुहिलों की, तो गुहिल वंश की कुल कितनी शाखाओं का वर्णन मुणहोत नैनसी ने किया है। देखो नैनसी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शाखाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, मुनहोत नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की टोटल 26 ब्रांच का वर्णन किया है, 26। लेकिन यह प्रश्न यूं भी तो पूछा जा सकता है कि मुनहोत नैनसी ने गुहिल वंश की टोटल कितनी ब्रांच बताई है, तो गुहिलों की ब्रांच बताई है 24 और गुर्जर प्रतिहारों की ब्रांच कितनी बताई है 26 बताई है, तो 26 जिस भी विकल्प में होगा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गुहिलों की कितनी बताई है 24 बताई है, ध्यान रखना। कवि राजा श्यामल दास ने एक बुक लिखी थी वीर विनोद, और उस बुक वीर विनोद के अंदर गुहिल वंश की 36 ब्रांच का वर्णन है, जबकि नैनसी गुहिलों की कितनी ब्रांच का वर्णन करता है 24, यहां पर आपका आंसर 26 होगा। और यहां एक बात और याद रखना, यहां पर इस नैनसी ने यह भी लिखा है कि प्रतिहारों की सबसे प्राचीन जो ब्रांच थी, जो मूल शाखा थी, वो मंडोर थी, और सबसे शक्तिशाली जो शाखा थी वो कन्नौज वाली शाखा थी। ये दो चीजें और याद रखना कि मुनहोत नैनसी ने प्रतियारों की कुल 26 शाखाओं का वर्णन करते हुए सबसे प्राचीनतम शाखा मंडोर को बताया, वह सर्वाधिक शक्तिशाली जो शाखा है वो आपके यूपी का एक स्थान पड़ता कन्नौज, उसको सबसे शक्तिशाली बताया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक की रचना की थी? प्रह्लादन देव परमार, धारावर्ष यह भी परमार है, धूमराज और आपका सोम सिंह, किसने ये काम किया था? सोम सिंह ये तो नहीं है, धूमराज ये आपके परमारों का मूल पुरुष माना जाता है धूमराज, धारावर्ष नहीं, धारावर्ष भी नहीं है। हाँ, धारावर्ष के भाई थे जिनका नाम था प्रह्लादन देव परमार, प्रह्लादन देव परमार बिल्कुल सही आंसर होगा। इन्हीं के द्वारा गुजरात का एक कस्बा है पालनपुर, पालनपुर कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर, इस पालनपुर गुजरात नामक स्थान की स्थापना भी की थी और पार्थ पराक्रम व्या योग नामक नाटक की रचना भी की थी, तो ऑप्शन ए जिसने भी बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चौहान शासक को कवि बांधव कहा जाता है? कवि बांधव, बांधव का मतलब बंधु, बंधु मतलब फ्रेंड्स, मित्र, यानी कवियों के साथ सबसे ज्यादा मित्रता रखने वाला शासक कौन सा है, उनके साथ बंधुता का भाव, भाईचारे का भाव रखने वाला चौहान राजा कौन सा है, कवियों के प्रति सबसे ज्यादा सीरियस रहने वाला, उनको अपने दरबार में उचित मान सम्मान देने वाला चौहानों का राजा कौन सा है? अजयराज चौहान नहीं, 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 गलत है, अजयराज चौहान को नहीं कहते। चौहानों का निर्माण काल, चौहानों का निर्माण काल अजयराज चौहान का काल कहलाता है, चौहानों का निर्माण काल अजयराज चौहान का काल कहलाता है। अरणोराज नहीं, अरणोराज को नहीं कहते, अरणोराज की उपाधि है महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक। वासुदेव चौहान नहीं, ये चौहानों के मूल पुरुष है, चौहानों के मूल पुरुष यानी चौहानों का आदि पुरुष आप बोल सकते हो। 551 ईस्वी सपाद लक्ष नामक स्थान पर इन्होंने चौहान साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह भी है, आपसे जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करवा दे, पूछ ले कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन ए में डालेगा सपाद लक्ष यानी सांबर, जिसे वर्तमान में अपन सांबर कहते हैं, पहले इसको सपाद लक्ष कहते थे, और बे में डालेगा नागौर, से में डालेगा अजमेर, दे में डालेगा जालौर। तो चौहानों की स्थापना सांबर स्थान पर हुई थी, लेकिन चौहानों ने अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी अहित छत्रगढ़, जिसे वर्तमान में अपन नागौर कहते हैं, उसको बना रखा था, तो फिर यह उपाधि किसकी हो जाएगी? विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि हो जाएगी, और यह विग्रहराज चतुर्थ को यह उपाधि जयानक के द्वारा दी गई थी, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान हुए थे। तो ऑप्शन क्रमांक डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चौहानों का स्वर्ण काल भी विग्रहराज चतुर्थ का काल ही कहलाता है। कवि बंधु की उपाधि तो है ही है, साथ के साथ ही चौहान साम्राज्य का सर्वाधिक विकास, क्योंकि चौहानों को पहली बार दिल्ली तक पहुंचाने वाला, चौहानों की राजधानी दिल्ली बनाने वाला राजा था विग्रहराज चतुर्थ, या कभी कभी अपन इसी को बिसल देव भी बोल देते हैं, जिसने बिसलपुर सागर की स्थापना की थी। विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि थी चौहान आपके कवि बांधव, और इनका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में पद्मिनी की कहानी का उल्लेख किया गया है? पद्मावत, रहला, खजाइन उल्फतू, मृगावती। देखो, मृगावती और रहला का तो यहां कोई कनेक्शन ही नहीं है पद्मावती से। हाँ, ये दो चीजें अपन जरूर मान सकते हैं, पद्मावत और खजाइन उल्फतू, इनमें से एक आंसर होगा। खजाइन उल्फतू ये अमीर खुसरो की बुक है, अमीर खुसरो की बुक है, ध्यान रखना, अमीर खुसरो।
और पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जायसी की बुक है, मलिक मोहम्मद जायसी की बुक है। और ये आपका अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था, अमीर खुसरो। और अपन अच्छे से जानते हैं कि रानी पद्मिनी वाली जो आपका बलिदान है वो अलाउद्दीन खिलजी के काल का बलिदान है। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी विद्वान था अमीर खुसरो, लेकिन अमीर खुसरो ने पद्मिनी की ज्यादा कहानी का उल्लेख उस बुक में नहीं किया है। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय का सजीव वर्णन खजाइन उल फतू नामक पुस्तक में अमीर खुसरो ने जरूर किया है, लेकिन पद्मिनी की कहानी का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी की बुक किसको अकॉर्डिंग, पद्मावत के अकॉर्डिंग। और जो बॉलीवुड ने बीच में पद्मावत मूवी बनाई थी वो मलिक मोहम्मद जायसी के बुक के अकॉर्डिंग ही बनाई थी। ये अलग बात है कि पद्मावत बुक पद्मिनी के काल में नहीं लिखी हुई, पद्मिनी का बलिदान 1303 ईस्वी का बलिदान है, जबकि ये बुक 1540 ईस्वी के अंदर लिखी गई है। और बंदा राजस्थान का और नहीं है, बंदा जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला, ये जो बुक लिख रहा है पद्मावत, जो रानी पद्मिनी की कथा बताता जिसके अनुसार पद्मिनी सिंहल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी, गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री थी, ये सारी जानकारियां घटना के 250 साल बाद यानी लगभग 237 साल बाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला बंदा, जौनपुर का रहने वाला बंदा हमें बता रहा कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब इस बुक की बात में विश्वसनीयता पर कई इतिहासकारों ने प्रश्नवाचक चिन्ह भी उठाए थे, और लाजमी भी है भाई, आज जयपुर में मान लीजिए कोई घटना हो रही है और 250 साल बाद में कोई लेखक आता और लिखता कि जयपुर में 250 साल पहले यह हुआ था, तो अपन चलो मान भी ले कि यार बंदे ने लिखा होगा तो, लेकिन दूसरी बात वो राजस्थान का है ही नहीं। अब उत्तर प्रदेश का बंदा 250 साल बाद में आकर के कह रहा कि ये पढ़ो तुम, ऐसा ऐसा पढ़ो, तो ठीक है जैसा कर लिखा है वैसा अपन पढ़ते भी हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी की बुक है पद्मावत, उसके अकॉर्डिंग ये पुरानी पद्मिनी वाला पूरा प्रसंग बताया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ के समधीश्वर मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, जीर्णोद्वार करवाया था, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण मंदिर है समधीश्वर मंदिर। इसी समधीश्वर मंदिर का एक और नाम भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, समधीश्वर के स्थान पर त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसी मंदिर को कहते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर। चित्तौड़गढ़ का बहुत महत्वपूर्ण मंदिर, और इस मंदिर का अगर निर्माण सबसे पहले पूछ लिया जाए तो यह निर्माण करवाया था भोज परमार ने, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था भोज परमार ने। लेकिन यहां तो निर्माण पूछा ही नहीं है, यहां तो जीर्णोद्वार पूछा है, और जीर्णोद्वार करवाया था राणा मोकल के द्वारा, राणा मोकल, इसीलिए तो इसको वर्तमान में मोकल मंदिर भी कहा जाता है, मोकल मंदिर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, राणा मोकल 1421 से 1433 तक मेवाड़ की कुर्सी पर रहते, इन्होंने इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था और एकलिंगनाथ मंदिर का प्रकोटा बनवाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि महाराणा कुंभा की नहीं है, राणा कुंभा कई सारी उपाधियों के धनी थे, उनमें से कौन सी एक उपाधि कुंभा की नहीं है, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुरतान, छाप गुरु, यहां पर शब्द आना चाहिए चाप गुरु, सही वर्ड है चाप गुरु, छाप नहीं, अपनी नाइन की किताब में छाप लिखा गया है, जो शुद्ध वर्ड है वो है चाप गुरु हिंदू पद। कौन सा सही शब्द, कौन सी उपाधि कुंभा से रिलेटेड नहीं है, अभिनव भट्टाचार्य, ये तो उपाधि है। संगीत में निपुण होने के कारण इन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था, ये बिल्कुल, क्योंकि कुंभा संगीत से बहुत प्रेम करते थे, संगीत पर कुंभा ने खूब सारी बुक्स भी लिखी थी, संगीत राज लिखा था, संगीत मीमांसा लिखा था, तो संगीत सूद लिखा था, और संगीत में कुंभा खुद भी इंटरेस्टेड थे, कुंभा वीणा बजाया करते थे, कुंभा खुद क्या बजाते थे, वीणा बजाया करते थे, माँ शारदे का वाद्य यंत्र है वीणा, वो कुंभा बजाने में दक्ष हुआ करते थे, तो ये तो है। हिंदू सुल्तान ये भी है, जो कुंभा के समकालीन मुस्लिम शासक थे उन्होंने इनको हिंदू सुल्तान की उपाधि दी थी। चाप गुरु बिल्कुल है, राणा कुंभा धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इनको चाप गुरु कहा गया था, हिंदू पत ये गलत है, हिंदू पत राणा सांगा की उपाधि है, राणा सांगा की। हालांकि एक सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि हिंदू पत किस मेवाड़ शासक को कहते हो, राणा सांगा विकल्प ही नहीं आया था, जब आपके सांगा विकल्प नहीं हो उस कंडीशन में इसका आंसर महाराणा प्रताप हो जाएगा, अगर दोनों विकल्प हो तो पहला उत्तर राणा सांगा ही होगा। मुख्य रूप से ये उपाधि राणा सांगा की थी, कुंभा की नहीं थी, कुंभा की अभिनव भट्टाचार्य।
आपका हिंदू सुरतान, नव्य भारत, अश्वपति, नरपति, हाल गुरु, दान गुरु, सेव गुरु, चाप गुरु, स्थापत्य गुरु, युद्ध गुरु, ऐसी खूब सारी उपाधियां राणा कुंभा की वाह करती थी। हिंदू पत इनकी उपाधि नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये क्वेश्चन 8-10 बार तो आ गया है और 8-10 बार ही और आएगा, ध्यान रखना। वैसे पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है नो की, लेकिन उस नो की इंपॉर्टेंट बुक में भी सबसे इंपॉर्टेंट भी एक क्वेश्चन है, कई दफा आ चुका, आगे भी आएगा। कौन सा कुंभा की एक बुक नहीं है? संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, बताइए कौन सा नहीं है। संगीत राज तो है, ये तो मुझे पता है, और मुझे ये भी पता कि संगीत राज बुक कौन से कितने भागों में विभक्त है, 5 कोष में विभक्त है, यानी इसमें 5 भाग बनाए गए हैं, 5 भाग बनाए गए हैं। संगीत मीमांसा ये अभी मैंने बोला था, ये भी है। सूड प्रबंध ये भी है। संगीत रत्नाकर राणा कुंभा की बुक नहीं है। संगीत रत्नाकर सारंग व्यास की बुक है, सारंग व्यास। हाँ, इस संगीत रत्नाकर पर टिक्का कुंभा द्वारा लिखी गई थी, टिक्का कुंभा द्वारा लिखी गई थी, ये याद रखना, जबकि मूल बुक सारंग व्यास की है, कुंभा की नहीं है। ऑप्शन बी होगा, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इन्हीं ऑप्शनों के साथ आएगा, कई दफा आ चुका है, आगे भी आएगा, इसको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध राणा सांगा द्वारा नहीं लड़ा गया? गागरोण का युद्ध, खातोली का युद्ध, आपके खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, कौन सा युद्ध राणा सांगा ने नहीं लड़ा? राणा सांगा मतलब 1509 से 1528, इस अवधि में जितने भी युद्ध लड़े गए थे वो सांगा ने लड़े थे। गागरोन का युद्ध बिल्कुल लड़ा था, 1519 में लड़ा था, सांगा वसेज मालवा के राजा महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया था, सांगा वसेज खिलजी सेकेंड, और खिलजी सेकेंड कौन सा? महमूद खिलजी सेकेंड, और मेदिनी राय को लेकर के ये लड़ाई हुई थी जो 1519 में लड़ी गई थी, बिल्कुल सही बात है। खातोली का युद्ध 1517, बिल्कुल सही है। राणा सांगा वसेज इब्राहिम लोदी इनके मध्य ये लड़ा गया था। खानवा का युद्ध बिल्कुल सही है, 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था खानवा का युद्ध, राणा सांगा वसेज बाबर इनके मध्य लड़ा गया था। सारंगपुर का युद्ध ये गलत है, ये कुंभा के काल का युद्ध है। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी का युद्ध है, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है सारंगपुर, वहां पर लड़ा गया था। ये राणा कुंभा वसेज महमूद खिलजी प्रथम, देखो सांगा ने युद्ध लड़ा था महमूद खिलजी सेकेंड से, वो युद्ध था गागरोन का युद्ध, और कुंभा ने युद्ध लड़ा है महमूद खिलजी प्रथम से, वो युद्ध है आपका सारंगपुर का युद्ध, और इसी युद्ध की स्मृति में कुंभा जीते थे। इस युद्ध को, कुंभा की इस जीत को मालवा की विजय कहते हैं, और मालवा की विजय की स्मृति में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के किले में एक 9 मंजिला भवन बनवाया था जिसे विजय स्तंभ कहा जाता है, जो कि आपके राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे बड़े विभागों का सिंबल भी है विजय स्तंभ, वो कुंभा ने इसी युद्ध को जीतने की स्मृति में बनवाया था। ऑप्शन डी इसका सही और सटीक आंसर है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में गुजरात शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय साका किया गया था? साका मतलब समझते हो ना, साका दो शब्दों से मिलकर बनता है। साका में एक तो होता केसरिया और एक होता जोहोर, एक होता है जोहोर, केसरिया प्लस जोहोर। राजा द्वारा युद्ध भूमि में, क्योंकि हिंदू राजा जब युद्ध में लड़ने जाते थे तब अपने माथे पर केसरिया रंग की पगड़ी धारण करते थे, और अगर राजा युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद हो गए तो माना जाता था कि केसरिया हो गया है, और जब केसरिया हो जाता था तो यह मान लिया जाता था कि अब दुश्मन की सेना हावी हो चुकी है और वो किले पर किसी भी वक्त अधिकार कर सकती है। इसलिए किले में उपस्थित महिलाएं जो होती थी वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि अथवा जल में कूदकर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया करती थी। महिलाओं के द्वारा अग्नि अथवा जल में कूद कर दिए गए प्राणों के बलिदान को क्या बोला जाता था? जोहर, और केसरिया प्लस जोहर दोनों को मिक्स रूप से बताओ क्या बोला जाता है? साका।
मेवाड़ के इतिहास में कुल 3 साके हुए थे। पहला साका अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में हुआ था, तब रावल रतन सिंह ने केसरिया किया था और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था। मेवाड़ इतिहास का दूसरा साका 1535 में हुआ था, जब गुजरात के राजा बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। उस समय मेवाड़ के राजा विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य को तो यहां से सुरक्षित बूंदी भेज दिया गया था, लेकिन मेवाड़ की पगड़ी देवलिया प्रतापगढ़ के सामंत रावत बाघ सिंह ने धारण करके केसरिया किया था और राणा सांगा की रानी हाड़ी रानी कर्मावती ने जोहर किया था और केसरिया प्लस जोहर को बोलते हैं साका। और ये द्वितीय साका था मेवाड़ का, जो 1535 में हुआ था। मेवाड़ का द्वितीय साका 1535 में हुआ था। 1535 में इसमें केसरिया किसने किया था? केसरिया किया था रावत बाघ सिंह ने। केसरिया किया था रावत बाघ सिंह ने, जबकि जोहर किसने किया था? जोहर किया था रानी कर्मावती ने। और उस समय मेवाड़ के राजा पूछ रहा है तो मेवाड़ का राजा था विक्रमादित्य, जिनको अल्पायु में थे ये, इसलिए सुरक्षित निकालकर चित्तौड़गढ़ से और इनको बूंदी, क्योंकि ननियाल था वहां पर, तो बूंदी बेच दिया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी? उदयपुर व्हाइट सिटी, राजस्थान का सफेद शहर, राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर, राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर, राजस्थान की व्हाइट सिटी उदयपुर, जिलों की नगरी, राजस्थान का काश्मीर इत्यादि नामों से जाना जाने वाला उदयपुर शहर उदय सिंह ने बसाया था। धूनी नामक स्थान पर बसाया था। किस साल बसाया था? 1559 में बसाया था। धूनी नामक स्थान पर बसाया था। धूनी नामक स्थान, देखो दो तीन शहर तो अपने को याद होने ही चाहिए। एक तो उदयपुर याद रहे, एक जयपुर याद रहे, एक जोधपुर याद रहे, एक कोटा याद रहे, कोटा, और एक अपना बड़ा हो गया बीकानेर, ये याद रहे बीकानेर। बीकानेर के अलावा सवाई माधोपुर, ये याद रहे सवाई माधोपुर। इन सब के तो कम से कम याद रहने ही रहने चाहिए। उदयपुर 1559 नाम से पता लग पा रहा है महाराणा उदय सिंह। जयपुर 1727 1727 18 नवंबर 1727 सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। जोधपुर 12/5/1459 राव जोधा 12/5/1459 यानी 12 मई 1459 को बना था। कोटा माधो सिंह प्रथम 1631। बीकानेर आखा तीज के दिन 1488 राव बिका। सवाई माधोपुर 1763 माधो सिंह प्रथम के द्वारा, जयपुर के राजा थे माधो सिंह प्रथम, उन्होंने बनाया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नगर है जिनकी स्थापना की डेट, बाकी संस्थापक तो याद हो जाएगा। उदयपुर उदय सिंह, जयपुर जयसिंह, जयसिंह कौन सा? सवाई। जयपुर में दो जयसिंह थे, मिर्जा जयसिंह और सवाई जयसिंह, यानी जयसिंह प्रथम और जयसिंह द्वितीय। तो जयसिंह द्वितीय जिनको अपन सवाई जयसिंह बोलते थे। जोधपुर जोधा, कोटा माधो सिंह, बीकानेर बिक्का और माधोपुर सवाई माधो सिंह प्रथम। तो ये कुछ स्थापना के साल याद रख लेना। 1559 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस तिथि को लड़ा गया था? हल्दी घाटी राजस्थान इतिहास का बेहद महत्वपूर्ण युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद में यह जगह पड़ती है। हल्दी घाटी खमनौर की पहाड़ी और गोगुंदा की पहाड़ियों के मध्य का भौतिक भूभाग जो हल्दी घाटी कहलाता है। हल्दी घाटी का युद्ध पहली बात तो किस किस के मध्य लड़ा गया था? एक तरफ तो वो हल्दी घाटी रो शेर कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, यानी महाराणा प्रताप वसेज। अकबर खुद नहीं आए थे, अकबर के प्रधान सेनानायक के रूप में आमेर के मानसिंह कछवा आए थे। उनके बीच ये लड़ाई 18 जून 1576 को लड़ी गई थी। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो बताओ कौन सा होना चाहिए? 18 जून 1576 होना चाहिए। 18 जून 1576। हाँ, यहाँ पर ये भी याद रहे गोपीनाथ शर्मा ये लिखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को नहीं लड़ा गया था, 18 जून को सेनाएं आई थी। ये लड़ाई 21 जून 1576 को हुई थी, लेकिन बाकी इतिहासकार लिखते हैं कि नहीं, ये 18 जून को ही लड़ा गया था। एक इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा जो इसकी डेट 21 जून बताते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अरावली में ऐसी कोई घाटी नहीं जो प्रताप के किसी ना किसी वीर कार्य उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र ना हुई हो, यह कथन किसका है? यहां पर चार इतिहासकारों के नाम लिख रखे हैं, एक स्टेटमेंट लिख रखा है और यह स्टेटमेंट अपने को बताना है कि दिया किसने था।
अरावली में ऐसी कोई घाटी नहीं जो प्रताप के किसी ना किसी वीर कार्य उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र ना हुई हो, यह कथन किसका है? डॉक्टर डी आर भंडारकर, दशरथ शर्मा, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस। और ये स्टेटमेंट मुझे लगता है कि उसी व्यक्ति ने दिया था, बताना तो आपको है, मुझे तो बताना ही बताना है, लेकिन वही व्यक्ति है जिसने ये स्टेटमेंट दिया था दिवेर युद्ध को, जिसने मेवाड़ का मैराथन कहा था। याद होना चाहिए जब दिवेर की युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनानायक सुल्तान खान के बीच लड़ी जा रही थी, उस समय महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम ने तलवार से उस सुल्तान खान पर इतना कड़ा प्रहार किया था कि सुल्तान खान के घोड़े सहित दो टुकड़े करके यूं उछाल से दिए थे। तब इस इतने वीर को देख करके कर्नल जेम्स टोड ने यह स्टेटमेंट दिया था कि अरावली की ऐसी कोई घाटी नहीं जो प्रताप के किसी ना किसी वीर कार्य उज्जवल विजय या उसे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र ना हुई हो, यह कथन किसका है? कर्नल जेम्स टोड का है। और यह भी बात भी तो है कि द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। राजस्थान हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले विस्तृत जानकारी जेम्स टोड के द्वारा दी गई थी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुगलों से संधि करने वाले मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था, यानी मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का पहला राजा कौन था? महाराणा अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा जगत सिंह। ध्यान रहे, पहले राजा महाराणा अमर सिंह थे, 1597 से 1620। वीर राजा का वीर बेटा महाराणा प्रताप के पुत्र थे महाराणा अमर सिंह। इन्होंने मुगलों से संधि की थी जिसको इतिहास में बोला जाता मेवाड़ मुगल संधि। और ये मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 को हुई थी, 5 फरवरी 1615। इस संधि में अमर सिंह खुद उपस्थित नहीं हुए थे, मेवाड़ की तरफ से इस संधि को करने के लिए गए थे कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के साथ में ध्यान रखना हरिदास झाला, हरिदास झाला, हरिदास झाला के अलावा एक बंदा और था सुबे करण, ये यहां पर गए थे। और इधर मुगलों की तरफ से, उस समय मुगलों का राजा तो जहांगीर था, लेकिन जहांगीर खुद नहीं आया था ये संधि करने के लिए। एक तो आया था शाहजहा, एक आया था शुक्र अल्लाह सिराजी, और एक बंदा था सुंदरदास। इन तीनों ने, यानी तीन बंदे मुगलों की तरफ से और तीन बंदे मेवाड़ वालों की तरफ से, दोनों तरफ से राजा नहीं आए। मेवाड़ का उस समय राजा अमर सिंह था और मुगलों का राजा आपका जहांगीर था, लेकिन फिर भी अमर सिंह के काल में ये संधि हुई थी जिसके तहत मेवाड़ के महाराणाओं ने मुगलों की अधीन तक कबूल की थी। ये आपका अमर सिंह है, 5 फरवरी 1615। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस महाराणा ने अकाल प्रबंध के उद्देश्य से राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा जय सिंह और महाराणा राज सिंह द्वितीय। बताइएगा किसने मेवाड़ के अंदर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? राजसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखो ये तो तय है कि जगत सिंह और जय सिंह का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है भाई, जगत सिंह राजसमंद क्यों बनवाएगा? और जय सिंह ने बनाई थी झील, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जैसमंद झील, जैसमंद जिसे आप डेबर झील भी बोलते हो। ये पहले उदयपुर में थी, अब सलूम्बर जिले के अंदर आ गई है, सलूम्बर के अंदर इसका निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह ने। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब यहां एक तो राज सिंह प्रथम है और एक राज सिंह सेकंड है, इनमें से कौन से राज सिंह ने बनाई थी ये आपको याद रखना है। तो राज सिंह प्रथम 1652 से 1680, 1652 से 1680 इनके द्वारा बनाई गई थी। ध्यान रखना राजसमंद झील गोमती नदी को रोककर बनाई गई थी, गोमती नदी को रोककर राजसमंद झील किसके द्वारा बनाई गई थी? राज सिंह के द्वारा बनाई गई थी। 1662 से 65 के बीच में ये झील बनी थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराणा राज सिंह, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से किस कछवाहा शासक ने भाग लिया था? किस कछवाहा शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का सहयोग किया था? क्योंकि आप जानते हैं कि खानवा के युद्ध को बाबर ने जिहाद का युद्ध घोषित कर दिया था।
बाबर की सेना सांगा से लड़ने को तैयार ही नहीं थी, तब बाबर ने एक जोशीला धार्मिक भाषण देते हुए कहा था कि मैं तो खुदा का दूत हूँ, खुदा ने मुझे जिहाद करने के लिए भेजा है, और मैं तो लड़ते हुए मारा भी गया तो जन्नत नसीब होगी, हुर्रे नसीब होंगे, तरह तरह की बातें बाबर ने कही थी। क्योंकि बाबर की सेना 1526 में जब बयाना का युद्ध हार गई थी, और बयाना के युद्ध के बाद बाबर की सेना इतनी हतोत्साहित थी कि वो सांगा से लड़ने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि हम किसी से भी लड़ लेंगे लेकिन सांगा से नहीं लड़ेंगे। और जब तमाम प्रलोभन बाबर ने अपने सैनिकों को दिए, वो लड़ने को तैयार नहीं हुए, तो लास्ट में उस युद्ध को जिहाद का युद्ध घोषित किया गया। और जब सांगा को इस बात की भनक लगी कि बाबर ने धर्म का नारा दे दिया है, तो सांगा ने कहा कि जब इतनी बात बढ़ी गई है तो फिर क्यों ना तमाम हिंदू राजाओं से मदद मांग ली जाए। और सांगा ने तमाम राजाओं से मदद मांगी थी, जिसे पाती पर्वन कहा जाता है। और सांगा की मदद करने के लिए खूब सारे राजा इस युद्ध में आए भी थे, जैसे उत्तर प्रदेश में जगनेर से अशोक परमार आया था, मेवात से हसन का मेवाती आया था, जयपुर से पृथ्वीराज कछवा, जोधपुर से मालदेव, बीकानेर से कल्याण मल, इडर से भारमल, वागड़ से उदय सिंह, आपका जाला अज्जा, जाला सज्जा, ऐसे कई सारे लोग, उधर चंदरी से रायसेन, रायमल से सलहदी तंवर, खूब सारे लोगों ने सांगा का इस युद्ध में मदद की थी। लेकिन फाइनली परिणाम सांगा के पक्ष में नहीं आ पाया था, बाबर ने यह युद्ध जीता था। और बाबर ने इस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काफिरों का नाशक। अपने को बताना है कि खानवा युद्ध में कौन बाबर सांगा के साथ था, तो खानवा युद्ध कब लड़ा गया था, 17 मार्च 1527, रूपवास तहसील जिला भरतपुर में ये मैदान पड़ता है खानवा, यहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई थी। अब देखो मानसिंह तो समय राजा ही नहीं थे भाई, लड़ाई 1527 में हुई थी, मानसिंह का जन्म ही 1550 में हुआ था, तो मानसिंह कैसे हो सकते हैं। फिर भारमल राजा 1547 में बने थे, 1547 में, तो फिर भारमल भी नहीं हो सकते। दुलेरा ये 1137 के राजा थे, इन्होंने कछवा वंश की स्थापना की थी, कछवाओं का मूल पुरुष है, तो फिर उत्तर होगा पृथ्वीराज कछवा। और पृथ्वीराज कछवा ना केवल सांगा का सहयोग करते हैं अपितु इस खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति भी प्राप्त कर जाते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी, पृथ्वीराज कछवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने मानसिंह को निम्नलिखित में से किस स्थान का सूबेदार नियुक्त नहीं किया। अकबर ने किस स्थान पर मानसिंह को सूबेदार यानी गवर्नर में बोल सकता हूं नियुक्त नहीं किया था, काबुल, बिहार, बंगाल, मालवा। मानसिंह अकबर के सबसे विश्वासपात्र बंदे थे, मानसिंह जिनको अकबर ने फरजंद की उपाधि दे रखी थी, फरजंद का मतलब बेटे जैसा मानता था मानसिंह को अकबर। और मानसिंह बेहद बहादुर व्यक्तित्व के धनी थे, 69 युद्ध लड़े थे मानसिंह ने, किसे कहते हैं 69 युद्ध, यहां एक दो छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है तो थाने के चक्कर काट काट के बूढ़े हो जाते हैं आदमी, और बंदा 69 बैटल लड़ के आया था, 69 युद्ध लड़ करके आया था, फरजंद की उपाधि थी। अकबर को अकबर बनाने में अगर कोई बड़ा योगदान था तो वो मानसिंह कछवा का योगदान था, इसे इतिहास भुला नहीं सकता। उस मानसिंह को कहां कहां पर गवर्नर अकबर ने अपॉइंट किया था, ध्यान रहे अकबर ने 3 जगह पर गवर्नर अपॉइंट किया था। मानसिंह कहां के सूबेदार थे, मानसिंह और सूबेदारी का कनेक्शन याद रखना, मानसिंह सबसे पहले सूबेदार बने थे काबुल, कहां के सूबेदार बने थे काबुल, 1581 टू 1585 यानी 1585। काबुल के बाद इनको गवर्नर बनाया गया था बिहार 1587, कहां पर 1587, और उसके बाद इनको गवर्नर बनाया गया था बंगाल 1594 के अंदर, ये बताओ कहां पर बने थे बंगाल में। तो किसका सही आंसर क्या होगा, मालवा, यानी ऑप्शन डी, मालवा के गवर्नर ये नहीं बने थे। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किस तिथि को हुई थी, 11 जून 1665, 25 जून 1667, 17 जून 1666, 6 जून 1668, 6 जून 1668, 17 जून 1666, 25 जून 1667, 11 जून 1665। पुरंदर की संधि किस किस के मध्य, तो मराठा महाराज छत्रपति शिवाजी और आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह, और मिर्जा जयसिंह किसके प्रतिनिधि थे, औरंगजेब के सेनापति बनकर गए थे। और पुरंदर की संधि होती है 11 जून 1665।
हालांकि आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास के अंदर पुरंदर की संधि की डेट 22 जून लिखी हुई मिलती है, लेकिन अपने राजस्थान के जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स चलती है उनमें ज़्यादातर में 11 जून ही है। तो अपनी राजस्थान अध्ययन की बुक्स के अकॉर्डिंग इसे 11 जून ही माने, बाकी भारतीय इतिहास में हो सकता है कई किताबों में आपको 22 जून लिखा हुआ मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, भारतीय इतिहास की ऑथेंटिक बुकें हो सकता उनमें है, लेकिन अपने ओ आपनों राजस्थान है प्रधान और आपने राजस्थान में आपने राजस्थान के हिसाब चालन में फायदो रहे तो आपने 11 जून का ही सही मान लेनो है। बाकी भारतीय इतिहास वाले महासाब आएंगे तो हो सकता है 22 जून बता दे, फिर आप यूं विवाद में पड़ जाओ कि नहीं उमेंद्र सर ने तो 11 तारीख बताई थी, आपने 22 बताई, आपने गलत पढ़ा दिया, फलाण जी ने सही पढ़ा दिया। दिमाग में इस टाइप की गलत फहमी लेनी नहीं है, अपने को राजस्थान अध्ययन की बुक के अकॉर्डिंग 11 जून 1665 मान करके चलना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था? हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था, क्या है हुरडा सम्मेलन? और हुरडा सम्मेलन, हुरडा नाम की एक जगह है जो भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है। मराठाओं के विरुद्ध यह सम्मेलन हुआ था क्योंकि बूंदी वाला हस्तक्षेप, आप अच्छे से जानते हो मैंने बूंदी हस्तक्षेप कई दफा आपको समझाया है, उधर सवाई जयसिंह और बुद्ध सिंह हाड़ा के बीच में जो विवाद हुआ था, बाद में बुद्ध सिंह को मारना पड़ा था, उनके बेटे भवानी सिंह को मारना पड़ा था, फिर उनकी पत रानी के द्वारा मराठाओं को आगमन किया गया था, राखी भेजी गई थी। कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि मराठाओं ने जब 1734 में बूंदी राज्य वाला हस्तक्षेप किया था, उसके बाद मराठाओं को ऐसा लगने लग गया था कि अरे राजस्थान वालों में फूट बहुत है और इस फूट का फायदा अपन उठा सकते हैं, यहाँ आराम से अपना साम्राज्य स्थापित कर यहाँ लूटपाट कर सकते हैं। और मराठाओं ने बुरी तरीके से राजस्थान में लूटपाट की थी, मैं कह रहा हूँ बर्बाद सा कर दिया था, इतनी लूटपाट, चौथ वसूलते थे, चौथ मराठा यहाँ पर, चौथ मतलब हफ्ता वसूली करते थे, यूँ फोन करते थे कि 50,000 लाख 2 लाख और पहुंचाना पड़ता था मराठाओं का। जब मराठाओं का अंत चरम पर पहुंच गया था तब राजस्थान के राजाओं को लगा कि यार मराठाओं के विरुद्ध एकजुट होने बगैर काम चलेगा नहीं, अकेले मराठाओं से उस समय कोई लड़ने वाला था नहीं, और अगर सारे राजा इकट्ठे होकर के लड़ दे तो हो सकता है कि हम मराठाओं को हराकर राजस्थान से बाहर निकाल दे। और राजपुताना के राजाओं को मराठाओं के विरुद्ध संगठित करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। 1734 में यह सम्मेलन हुआ था, भीलवाड़ा के अंदर हुआ था, हालांकि इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नजर नहीं आया था, यह सम्मेलन असफल कहा जा सकता है। आंतरिक विरोधाभास के कारण राजस्थान के राजा एक संगठन बना नहीं पाए थे, एकजुट हो नहीं पाए थे, लेकिन तारीख याद रहे 17 जुलाई 1734। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने भारतीय परंपरा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ यानी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाने वाला जो यज्ञ होता है उसे बोला जाता अश्वमेध यज्ञ। किसने अश्वमेध यज्ञ किया था? महाराणा कुंभा, सवाई जयसिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराणा राज सिंह, बताइए किसके द्वारा किया गया था अश्वमेध यज्ञ, किसने किया था? तो आंसर होगा सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ध्यान रखना, 1734 में और 1740 के अंदर, यानी घोड़े को पूज कर उसे छोड़ देना और घोड़ा जहां तक जाएगा राज्य वहीं तक विस्तृत हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ किए थे 2 बार और दोनों यज्ञों के पुरोहित जी जो थे, पुरोहित जो थे उनका नाम था पुंडरीक रत्नाकर, दोनों यज्ञों के जो पुरोहित थे उनका नाम था पुंडरीक रत्नाकर, तो ये भी याद रखना। यहां पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सवाई जयसिंह। और अश्वमेध यज्ञ में जो जयसिंह का घोड़ा था वो दीप सिंह कुंभाणी द्वारा भांडरेज दोसा के निकट पकड़ लिया गया था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष निम्नलिखित में से कौन है, यानी राठौड़ों का मूल पुरुष कौन है? राव जोधा, राव सातल, राव सिहा, राव गंगा, राठौड़ों का आदि पुरुष यानी राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है? राव जोधा तो नहीं है, राव जोधा ने जोधपुर बनाया था, जोधपुर, जोधपुर शहर बनाया था, लेकिन राठौड़ उनसे पहले है, तो राठौड़ जोधपुर बाद में आए थे, ये बात अलग है, लेकिन जोधपुर से पहले राठौड़ ने मारवाड़ में अपना एम्पायर खड़ा कर दिया था, तो जोधा ने तो जोधपुर शहर बनाया था। सातल नहीं, ये वही सातल है जिनकी स्मृति में गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है,
महिलाओं द्वारा सिर पर छिद्रित मटका रखकर गुड़ लो घूमे लो जी घूमे लो, गुड़ ले रे बांध्यो सूत, गुड़ लो घूमे लो जी घूमे लो, गुड़ला गीत के साथ जो गुड़ला नृत्य और गुड़ला महोत्सव चैत्र के महीने में मनाया जाता है वो सातल देव राव सिहा, बिल्कुल सही है। इन्होंने 1237 से 1273 के मध्य बिट्ठू गांव पाली में राठौड़ वंश की नींव डाली थी और इन्हीं को राठौड़ों का मूल पुरुष कहा जाता है, जबकि राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा को कहा जाता है। राठौड़ों की स्थापना सबसे पहले सिया ने, जबकि वास्तविक संस्थापक चूड़ा। सेम यही बातें उधर है, गुहिलों का स्थापना 566 में गुहादित्य ने या गुहिल के द्वारा की गई, जबकि गुहिलों का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है। तो यहां पर आपका राव सिहा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये है भाई जोधपुर के राठौड़ और जोधपुर के राठौड़ों के मूल पुरुष, बाकी अपन थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। निम्नलिखित राठौड़ राजाओं का शासन काल का सही क्रम कौन सा है, यानी यहां कुछ राठौड़ राजवंश के राजा लिखे हुए हैं, उनमें अपने को उनका सही क्रम देखना है कि कौन सा क्रम सही है। राव जोधा, राव गंगा, राव मालदेव, राव जोधा, राव मालदेव, राव गंगा, राव गंगा, राव जोधा, राव मालदेव, राव मालदेव, राव जोधा, राव गंगा, यानी इनमें पहले कौन बना और बाद में कौन बना था। तीन राजाओं का नाम लिखा हुआ है तो अपने को तीनों का काल अगर पता हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अपन अच्छे से जानते हैं कि राव जोधा रणमल राठौड़ की मृत्यु के बाद 1438 से 1489 तक जोधपुर की कुर्सी पर रहे थे और इन्होंने ही 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। राव गंगा इनके बारे में अपन अच्छे से जानते हैं कि ये 1515 से 1532 तक जोधपुर की कुर्सी पर रहे थे और 52 युद्धों का विजेता हसमत वाला राजा राव मालदेव 1532 से 1562 तक राजा रहे थे। तो इसका मतलब एक नंबर पर जोधा, दो नंबर पर गंगा और तीन नंबर पर मालदेव। जोधा, गंगा, मालदेव का जो भी युग्म होगा वो ठीक होगा, यानी मालदेव गलत है, गंगा गलत है, जोधा, मालदेव, गंगा नहीं, ये भी गलत है, गंगा पहले बने, मालदेव बाद में बने। राव जोधा, राव गंगा, राव मालदेव, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक की तुलना महाराणा प्रताप से की जाती है। मारवाड़ का वह राजा जिनकी तुलना मेवाड़ महाराणा प्रताप से की जाती है, महाराजा गज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, बताइए किससे तुलना की जाती है। महाराजा गज सिंह नहीं, गज सिंह तो नहीं, गज सिंह की उपाधि थी दल खंबण। देखो दल पुंगल ये उपाधि अलग है, दल पुंगल पृथ्वीराज चौहान की उपाधि थी जिनका अर्थ होता विश्व विजेता, और दल खंबण इसका अर्थ होता सेना को रोकने वाला, जहांगीर ने यह उपाधि दी थी। महाराजा जसवंत सिंह नहीं, महाराजा जसवंत सिंह बहुत प्रतापी राजा थे और इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने स्टेटमेंट दिया था कि आज कुप्र का दरवाजा टूट गया है, लेकिन प्रताप नहीं कहा जाता। राव चंद्रसेन बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, राव चंद्रसेन। विश्वनाथ रेऊ ने चंद्रसेन को महाराणा प्रताप, मारवाड़ का प्रताप कहा, मारवाड़ का प्रताप कहा है, ध्यान रखना, मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को किसने कहा था, विश्वनाथ रेऊ ने कहा था, और इन्हीं को प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी, बुला बिसरा राजा व विस्मृत नायक जैसे अन्य उपनामों से भी जाना जाता है। 1562 to 1581 से 1581 तक मारवाड़ का शासन किया था, जीवन भर मुगलों से संघर्ष किया लेकिन उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अंत में सारण की पहाड़ियां सिचियाई गांव पाली में इनका देहांत होता है, इनको जहर मिलाकर दे दिया गया था खाने में और वहीं पर इनका स्मारक भी बना हुआ है। तो मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन विश्वनाथ रेऊ नामक इतिहासकार ने कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष धर्मत, देखिए धर्मत शब्द थोड़ा सा अशुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द है धर्मत। धर्मत का युद्ध लड़ा गया था 1648, 1654, 1646, 1658, यानी धर्मत का युद्ध। अपन जानते हैं कि धर्मत का युद्ध जो हुआ था ये शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर हुआ था। शाहजहां के पुत्रों में
उत्तराधिकार को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर के ये विवाद हुआ था। और अपन अच्छे से जानते हैं कि शाहजहां के चार बेटे, चारों में बड़े बेटे का नाम दारा, दारा, दारा के बाद सुज्जा, सुज्जा, सुज्जा के बाद मुराद और सबसे छोटा औरंगजेब। जब शाहजहां अपने अंतिम समय में थे तो शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन होगा, दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर इन चारों बेटों में लड़ाइयां चल रही थी। और इन चारों बेटों में उत्तराधिकार को लेकर पांच लड़ाइयां हुई थी। पहला युद्ध हुआ था बहादुरपुरा का युद्ध, दूसरा हुआ था दरमत का युद्ध, तीसरा हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, चौथा हुआ था खजवा का युद्ध और पांचवा हुआ था दोराई का युद्ध। दरमत का युद्ध अपने से पूछा गया है। दरमत का युद्ध लड़ा गया था 1658 के अंदर लड़ा गया था। एक साइड दारा था, वसेज किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो दूसरी साइड औरंगजेब प्लस मुराद, दोनों भाई भाई साथ में आए थे, औरंगजेब प्लस मुराद। और दारा के तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे अपने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। और इस युद्ध में फाइनली विजेता हुआ था और दारा, ये आपका औरंगजेब और मुराद, ये इस युद्ध को जीतते हैं। दरमत उज्जैन के पास, महाकाल की नगरी उज्जैन के पास एक जगह है, वहां पर यह लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना विजयी हुई थी। अपने से डेट पूछी है तो 1658 AD इसका करेक्ट आंसर होगा, 1658 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बीकानेर के निम्नलिखित में से किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया है? राव कल्याणमल, राव लुणकर्ण, महाराजा राय सिंह, महाराजा अनूप सिंह। बताइएगा कलयुग का कर्ण किसे कहा गया, यहां पर कंफ्यूज की स्थिति में नहीं आना है। ध्यान रहे राव कल्याणमल को तो नहीं कहा गया, यह तो मुझे कन्फर्म आता है। राव कल्याणमल बीकानेर के प्रथम राजा जिन्होंने मुगलों के दरबार में उपस्थित होकर के, अर्थात नागौर दरबार में उपस्थित होकर के मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अगर ये पूछा जाता कि बीकानेर का पहला राजा जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी तो अपना उत्तर कल्याणमल होता था। अब महाराजा अनूप सिंह, इनको भी नहीं कहा जाता। महाराजा अनूप सिंह की उपाधि थी एक तो महाराजा, महाराजा औरंगजेब ने दी थी, और एक उपाधि थी माही मारातिब, माही मारातिब। ये दोनों उपाधियां इनको औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। अब या तो लुणकर्ण होगा या राय सिंह होगा। यहां पर ध्यान रखना दो शब्द है, एक है राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण, और एक है कलयुग का कर्ण। राजपुताने का कर्ण पूछा जाता तो राय सिंह होता, राय सिंह। और राय सिंह को राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, ध्यान रखना। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। जबकि राव लुणकर्ण इसका सही उत्तर होगा। राव लुणकर्ण को कलयुग का कर्ण, बिट्टू सुज्जा के ग्रंथ, बिट्टू सुज्जा, इन्होंने एक बुक लिखी थी जेत सिरो छंद, जेत सिरो छंद, इस बुक के अंदर बिट्टू सुज्जा ने राव लुणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा है। जबकि राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहते हैं और मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। यहां पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को सर्वप्रथम जांगलदर बादशाह कहा गया था? देखिए पहली बात तो बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र था इसका रामायण महाभारत काल में नाम ही जंगल प्रदेश ही था, और जंगल प्रदेश का जो भी राजा होता था वो जंगलदर बादशाह ही कहलाता था। जंगल का बादशाह तो जंगलदर बादशाह। बीकानेर का प्राचीन नाम जंगल प्रदेश, जंगल प्रदेश का बादशाह जंगलदर बादशाह। लेकिन इस पर मेंशन किसने किया, रिटर्न में किसने कहा कि ये जंगलदर बादशाह है, किसको? महाराजा दलपत सिंह, गलत। महाराजा राय सिंह, नहीं। राय सिंह को हालांकि एक दो लोगों ने बोला भी था, राय सिंह ने जब प्रदेश जा रहे थे और राय सिंह फोग के साथ दोहा करते तब कुछ लोगों ने कहा कि ये जंगलदर के बादशाह, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं था। राय सिंह का वो दोहा आपको याद होगा कि मैं प्रदेशी लोग, तू स्वदेशी रोंकड़ा, माने अकबर ताड़िया, तू क्यों आयो फोग। ऐसा दोहा आपने सुना होगा कि तू स्वदेशी रोंकड़ा, मैं प्रदेशी लोग, माने अकबर ताड़िया, अठे तू क्यों आयो फोग। फोग एक जाड़ी होती है बीकानेर साइड में जिसके बीजों से एक स्वादिष्ट रायता वगैरह बनता है। तो राय सिंह जब ये दोहा कथन कर रहे थे उस समय इनके लिए जंगलदर बादशाह शब्द का यूज हुआ था, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट जिस राजा के लिए किया गया था वो बीकानेर के राजा कर्ण सिंह थे, और बीकानेर के राजा कर्ण सिंह को औरंगजेब के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। क्योंकि जब शाहजहां के चारों बेटों में राजा बनने को लेकर लड़ाइयां चल रही थी कि कौन राजा बनेगा शाहजहां के मरने के बाद, लड़ाइयों में उत्तराधिकार का जो विवाद था उसमें टोटल पांच युद्ध लड़े गए थे, उस युद्ध
में बीकानेर के राजा कर्ण सिंह ने अपने दो बेटे केसरी सिंह और पदम सिंह उनको औरंगजेब के समर्थन में लड़ने के लिए भेजा था और औरंगजेब को राजा बनाने में पूरी मदद की थी इन्होंने, इसलिए औरंगजेब ने इनको कहा था कि वाह कर्ण सिंह आप तो जांगलदर बादशाह है, जांगलदर बादशाह की उपाधि इनको दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम प्रबोध, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा रचित है, किस शासक द्वारा रचित है? देखो महाराणा राज सिंह, राज सिंह का ग्रंथ नहीं, राज सिंह खुद ने बुक नहीं लिखी थी, महाराणा राज सिंह ने, हालांकि इनके काल में खूब सारी बुक्स लिखी गई थी। राज सिंह के दरबारी विद्वान थे सदाशिव भट्ट, उन्होंने बुक लिखी थी राज रत्नाकर। इन्हीं के दरबारी विद्वान थे कवि मान, जिन्होंने बुक लिखी थी राज विलास। इन्हीं के दरबारी विद्वान थे रणछोड़ भट्ट तेलंग, जिन्होंने बुक लिखी थी राज सिंह प्रशस्ति, 25 काली शिलाओं पर लिखी थी, लेकिन खुद ने बुक नहीं लिखी थी। सवाई जयसिंह बहुत महान राजा, ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे सवाई जयसिंह, ज्योतिष शास्त्र के मामले में सवाई जयसिंह का शायद ही कोई मुकाबला कर सकता। जयपुर के संस्थापक राजा थे सवाई जयसिंह थी, उन्होंने उस समय आपके ग्रह नक्षत्रों की गणना के लिए 500 वेदशालाएं बना दी थी, जिन्हें अपन वर्तमान में जंतर मंतर कहते हैं। सबसे पुराना जंतर मंतर या सौर वेदशाला दिल्ली में बना था, सबसे बड़ा जंतर मंतर आज भी अपने जयपुर के अंदर बना हुआ है, सौर वेदशाला या जंतर मंतर। तो ज्योतिष से इनको विशेष लगाव था, इसलिए इन्होंने ज्योतिष से संबंधित, ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन से संबंधित दो बुक लिखी थी जयसिंह ने। एक बुक का नाम था जीज मुहम्मद शाही, जीज मुहम्मद शाही, और एक बुक का नाम था जयसिंह कारिका, जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका ग्रहों से संबंधित किताब है और जीज मुहम्मद शाही नक्षत्रों से संबंधित किताब है। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा नहीं, हाँ कुंभा ने ग्रंथ लिखा था काम प्रबोध, लेकिन श्राद्ध प्रयोग और चिंतामणि बुक इनकी रचना नहीं है। कुंभा ने संगीत राज लिखा था, संगीत मीमांसा लिखा था, संगीत सुधा लिखा था, सूड प्रबंध लिखा था, काम प्रबोध लिखा था, कामराज रतिसार लिखा था, एकलिंग मातम्य का पहला भाग राजवर्णन लिखा था, तीन टीकाएं लिखी थी, लेकिन ये बुक्स नहीं है। ये है बुक्स बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह की है, 1669 से 1698 तक बीकानेर के राजा रहे थे, अनूप सिंह के द्वारा रचित ये पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शासक नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध था, नागरीदास के नाम से? सरदार सिंह, किशन सिंह, सावंत सिंह, मोहकम सिंह, बताइएगा कौन था? सरदार सिंह, ये तो मुझे पक्का पता है कि जो नागरीदास नाम का राजा अपने इतिहास में हुआ वो किशनगढ़ से संबंधित राजा था, यानी नागरीदास किशनगढ़ से संबंधित राजा था। अब किशनगढ़ में नागरीदास किसको कहा गया है? सरदार सिंह नहीं, किशन सिंह नहीं, किशन सिंह ने 1609 ईस्वी किशनगढ़ की स्थापना की थी, किशनगढ़ की स्थापना की थी, और इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब सावंत सिंह इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सावंत सिंह इनका मूल नाम था और अंतिम समय में वैष्णव संप्रदाय अपनाकर, अंतिम समय में वैष्णव संप्रदाय अपनाया था और ये किशनगढ़ छोड़ करके और राजस्थान छोड़ करके ये वृंदावन चले गए थे, वृंदावन चले गए थे, और वृंदावन में इन्होंने अपना परिवर्तित नाम कौन सा दास रख लिया था? नागरीदास रख लिया था, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? नीचे चार विकल्प है, उनमें से छांटना है कि कौन सा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में नहीं था। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय 1177 to 1192 अजमेर शासक हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान, इनके दरबार में कौन सा विद्वान नहीं था ये आइडेंटिफाई करना है। जयानक बिल्कुल थे, पूरा नाम था जयानक भट्ट, और ये वही जयानक भट्ट है जिन्होंने बुक लिखी थी पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय इन्होंने बुक लिखी थी, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। विद्यापति गौड़ बिल्कुल थे, वागीश्वर बिल्कुल थे, तो फिर कौन नहीं होगा? चक्रपाणी मिश्र नहीं होगा, चक्रपाणी मिश्र का संबंध महाराणा प्रताप से है, चक्रपाणी मिश्र का संबंध महाराणा प्रताप से है, और इन्होंने खूब सारे ग्रंथ लिखे थे। चक्रपाणी मिश्र ने एक तो ग्रंथ लिखा था राज्य अभिषेक पद्धति, राज्य अभिषेक पद्धति ये इनकी प्रमुख रचना है, राज्य अभिषेक पद्धति। एक इनकी प्रमुख रचना है विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ,
विश्व बल्लभ, ये तो आरएस मेंस में पूछा भी जा चुका विश्व बल्लभ। एक इनकी प्रमुख रचना है मुहूर्त माला, मुहूर्त माला चक्रपाणी मिश्र ने लिखी थी। एक इनकी प्रमुख रचना है व्यवहार दर्श, व्यवहार दर्श, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो व्यवहार दर्श, मुहूर्त माला, विश्व वल्लभ, राज्यभिषेक पद्धति, ये सब चक्रपाणी मिश्र की रचना है। और ये किसके दरबार में थे? महाराणा प्रताप के दरबार में थे। आपका ऑप्शन क्रमांक कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। जयानक, विद्यापति गोड, वागीश्वर, जनार्दन, चंद्रबरदाई, आशाधर, विद्यापति गोड, ये सब पृथ्वीराज चौहान के विद्वान हुआ करते थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस दुर्ग में जोहर हुआ था? राजस्थान में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस दुर्ग में जोहर हुआ था? यानी पहला जोर पूछा जा रहा है। मैं पानी पी रहा हूं, तब तक तो फटाफट आंसर आ ही जाना चाहिए। फटाफट से आंसर बताइए कौन सा होगा, किस में पहली बार जोहर हुआ था? जल्दी से इसका आंसर बताना है, किस में इसका जोहर, किस में सबसे पहले जोहर हुआ था? फटाफट देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। तो चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, सिवाना, स्वर्णगिरी। देखिए चित्तौड़गढ़ नहीं, चित्तौड़गढ़ में जोहर हुए थे। सर्वाधिक जोहर अगर आपसे पूछा जाता तो सर्वाधिक जोहर चित्तौड़गढ़ में होते थे, सर्वाधिक जोहर। लेकिन पहला जोर रणथंबोर दुर्ग में हुआ था, ध्यान रखना। पहला जोर 11 जुलाई 1301 राजस्थान इतिहास का प्रथम शाखा प्रथम शाखा ये रणथंबोर दुर्ग में हुआ था। और इस शाखा में केसरिया किसने किया था? केसरिया किया था हमीर हट तिलिया तेल चढ़ेना दूजी बार, इतिहास का सबसे जिद्दी शासक, सबसे हट्टी शासक हमीर देव चौहान ने। जोहर किसने किया था? रानी रंग देवी के नेतृत्व में, रानी रंग देवी। हालांकि इनकी पुत्री भी थी पद्मला और भी महिलाएं थी, लेकिन नेतृत्व में रानी रंग देवी ने किया था। और ये जल जोर था, जोर दो टाइप का होता था, जल जोर या अग्नि जोर, तो ये जल जोर था। और आक्रमण किसने किया था? तो आक्रमण किया था एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जालौर के चौहान वंश की स्थापना की थी? यानी जालौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला राजा कौन था? जालौर में देखो, चौहानों का वैसे मूल पुरुष है वासुदेव चौहान, जिन्होंने 551 ईस्वी सपाद लक्ष सांबर नामक स्थान पर चौहान वंश की नींव डाली थी। लेकिन चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अही छत्रगढ़ को रखा गया था, अही छत्रगढ़ मतलब नागौर। जालौर के चौहान, जालौर में देखो सबसे पहले शासन था प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों का। जालौर की अगर बात करूं तो सबसे पहले शासन था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों के बाद यहां पर शासन आया था परमारों का, और परमारों में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था कुंतपाल परमार। बताओ कौन था? कुंतपाल परमार। और इस कुंतपाल परमार को 1181-82 में कीर्तिपाल चौहान ने पराजित किया, और कीर्तिपाल चौहान ने पराजित करके जालौर में चौहान वंश की नींव डाल दी थी। और कीर्तिपाल चौहान जिसकी उपाधि थी कीतु एक महान राजा, यानी जालौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? कीर्तिपाल चौहान। ये नाडोल में चौहान वंश के शासक अल्हण के पुत्र हुआ करते थे कीर्तिपाल चौहान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष बूंदी राज्य की स्थापना हुई थी? 1631, 1634, 1629, 1621 बूंदी राज्य की स्थापना। ये तो ऑप्शन ही ठीक नहीं है, बूंदी राज्य की स्थापना तो बहुत पहले हो गई थी। बूंदी राज्य की स्थापना ध्यान रखना 1241 के अंदर हो गई थी, 1241 के अंदर। इसका मतलब मेरे हिसाब से मिसप्रिंट हुआ है, और मिसप्रिंट होकर के आपको यहाँ पर अगर ऑप्शनों के अकॉर्डिंग में देखूँ तो कोटा मामला सही बैठेगा। आपसे कोई पूछ ले कि कोटा राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो अपन बताएंगे कि कोटा राज्य की स्थापना 1631 में हुई थी। 1631 में माधो सिंह प्रथम बूंदी से अलग होकर स्वतंत्र रूप से कोटा राज्य की स्थापना करते हैं।
कोटा राज्य की स्थापना करते हैं, कोटा राज्य की स्थापना करते हैं, ध्यान रखना स्वतंत्र होकर के कोटा राज्य की स्थापना करते हैं। तो इस बूंदी को काट लेना, बूंदी की स्थापना 1241 में हो गई थी, जबकि बूंदी के स्थान पर कोटा पूछा जाए तो आपका सही उत्तर होगा कोटा राज्य 1631, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? हस्तिकुंड अभिलेख नहीं, सारनेश्वर प्रशस्ति नहीं, सामोली शिलालेख नहीं। इसमें मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना गुहिल वंश की स्थापना से संबंधित जानकारी, गुहिल वंश की स्थापना की जानकारी मिलती है। इसमें वैष्णव संप्रदाय की सबसे पहले जानकारी गोसुंडी शिलालेख से मिलती है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का ये शिलालेख है और ये चित्तौड़गढ़ से खोजा गया है, जिसमें वैष्णव संप्रदाय के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है। इसी वैष्णव संप्रदाय के नाम पर आपको एक शब्द और लिखा हुआ मिल सकता, भागवत संप्रदाय, ध्यान रखना। और मुझे अच्छे से याद है कि एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा गया था कि भागवत संप्रदाय की सर्वप्रथम जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, तो चाहे भागवत पूछ ले चाहे वैष्णव पूछ ले, एक ही बात है, दोनों की जानकारी अपने को गोसुंडी शिलालेख से मिलती है, जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का एक शिलालेख है। गोसुंडी नामक स्थान चित्तौड़गढ़ से यह प्राप्त हुआ है। और गुहिल वंश की स्थापना की जानकारी कौन सा शिलालेख देता है? सामोली का शिलालेख देता है। तो ये कुछ बातें ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? एक तरफ राज परिवार और सामने की तरफ कुल देवी लिखा हुआ है, कौन सा जो युग्म है वो असुमेलित है? बीकानेर करणी माता, बीकानेर के राजा अपनी इष्ट देवी मानते थे करणी माता को, बिल्कुल सही है, करणी माता बीकानेर राजवंश के राजाओं की बताओ कौन सी देवी है? इष्ट देवी है, बिल्कुल सही है। जोधपुर में राठौड़ वंश था नागनेची माता, मेवाड़ में सिसोदिया वंश बाण माता, कोटा में जमुआई माता, ये गलत है। कोटा के जो राजा थे वो अपनी इष्ट देवी ये मानते थे बद्दाणा माता को, किसको मानते थे? बद्दाणा माता। जमुआई माता ये कछवाहा वंश की कुल देवी है, कछवाहा जयपुर यानी आमेर जयपुर, कछवाहा वंश की कुल देवी है। तो यहां पर एक तरफ राज परिवार और उनसे संबंधित देवियों में बीकानेर, हालांकि कुल देवी बीकानेर वाले राठौड़ और जोधपुर वाले राठौड़ एक ही तो है, जोधपुर के राठौड़ में से बीकानेर के राठौड़ निकले हैं, तो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी माता? नागनेची माता। लेकिन वो करणी माता को अपनी कुल की देवी, इष्ट की देवी मानते थे, यानी प्रमुख देवी बीकानेर राज परिवार की करणी माता, इसलिए अपन इनको कुल देवी के रूप में काउंट कर लेते। बाकी जोधपुर के राठौड़ों से बीकानेर के राठौड़ है तो उनकी भी कुल की देवी नागनेची माता, जबकि करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर राज्य बना था, इसलिए बीकानेर राज परिवार की मुख्य देवी में करणी माता का नाम आगे आएगा। जोधपुर नागनेची माता बिल्कुल सही है, मेवाड़ में सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता, कोटा वाले अपनी इष्ट मानते थे बद्दाणा को, और जमुआई माता कछवा वंश की कुल देवी है। इनका मंदिर किस स्थान पर बना हुआ है? जमुआ रामगढ़ के अंदर मंदिर बना हुआ, जिसको डुंडाड़ का पुष्कर कहते हैं। तो अनमैच्ड पेयर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी जोड़ा ठीक नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है? सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित कहां पर है? चित्तौड़गढ़, नागौर, जालौर, अजमेर। देखो अजमेर में तो नहीं है, अजमेर में मुझे अच्छे से पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज आप इन्हें बोल देते हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, बिल्कुल सही है। जालौर में मलिक साहब पीर की दरगाह ये कहां पर है? जालौर में है। नागौर बिल्कुल सही है नागौर, संत हमीदुद्दीन सन्यासियों का सुल्तान कहलाता है, संत हमीदुद्दीन की दरगाह किस स्थान पर है? तो ये दरगाह है नागौर के अंदर, ऑप्शन बी जिसने बी बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्नोई सिर आपके विश्नोई समुदाय की स्थापना किसने की थी? सिर साटे रूंक रह जाए तो सौदो सस्तो जान, यानी है मनुष्य एक गर्दन कटवा करके अगर एक पेड़ बचा सकता है तो इस सौदे को सस्ता मानना चाहिए। गुरु जम्बेश्वर भगवान का ये उपदेश, और विश्नोई जिन्होंने वन्य जीव एवं पेड़ों की रक्षा के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं, प्रकृति एवं वन्य जीवों से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला समुदाय विश्नोई समुदाय, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये याद रखना, जसनाथ जी नहीं, जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय चलाया था, मल्लीनाथ जी नहीं, मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंत चलाया था, कुंडा पंत चलाया था 1399 ईस्वी के अंदर। जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय चलाया था, और जसनाती संप्रदाय चलाया था 1504 ईस्वी के अंदर। इसका सही उत्तर होगा जाम्बो जी, जाम्बो जी ने 1485 ईस्वी विश्नोई धर्म की स्थापना की थी, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। विश्नोई संप्रदाय का मतलब 20+9 29 नियमों को मानने वाला क्या कहलाता है? विश्नोई। 20 और 9 विश्नोई, विश्नोई यानी टोटल 29 नियमों को मानते हैं। 1485 में स्थापना हुई थी। प्रधान केंद्र है मुकाम तालवा बीकानेर, बीकानेर में नौका तहसील के पास में एक जगह पड़ती है मुकाम तालवा, वहां विश्नोइयों का प्रमुख मेला वगैरह लगता है। तो विकल्प क्रमांक सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर संत मीरा का जन्म हुआ था? संत मीरा का जन्म हुआ था, मीराबाई के बारे में पूछा जा रहा है। मीराबाई, मीरा संत शिरोमणि मीराबाई राजस्थान की राधा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान की राधा, तपस्या की शकुंतला, अन्याय के विरुद्ध प्रथम सत्याग्रही महिला इत्यादि उपनामों से मीरा को जाना जाता है। उनका जन्म स्थान पूछा जाता है मावला ग्राम, मैंने तो मावला के बारे में ज्यादा तो नहीं है, तलवाड़ा है, दौलीदूब नहीं, दौलीदूब ग्राम संत लालदास जी का जन्म स्थान है। संत लालदास जी मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत थे, लालदास जी 1540 में लालदास जी का जन्म दौलीदूब गांव अलवर में हुआ था, कुड़की ग्राम, बिल्कुल सही उत्तर है। मीराबाई का जन्म 1498 कुड़की गांव में हुआ था, कुड़की गांव, और कुड़की गांव पहले पाली जिले में था, लेकिन पाली जिले की जैतारण तहसील अब ब्यावर जिले में शिफ्ट हो गई है, तो अब ये ब्यावर जिले के अंदर आएगा। पहले पाली के अंदर हुआ था, पिछला जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था, पीएसआई का एग्जाम, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना कि संत मीराबाई का जन्म किस जिले में हुआ। ऑप्शन था जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, तो उस पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में उसका सही उत्तर पाली माना गया था, क्योंकि उस समय ये राम बुलाया समिति जो है, राम लुभाया समिति, इसकी रिपोर्ट आई नहीं थी, 19 नए जिले बने नहीं थे, तो फिर पुराने जिलों के अकॉर्डिंग तो पाली था, लेकिन नए जिलों के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपका जिला ब्यावर आएगा, कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हां, मीरा का लालन पालन मेड़ता में हुआ था, इसलिए अपन भजनों में गा देते हैं कि मीरा जन्मी मेड़तान प्रणाई चित्तौड़, मीरा का लालन पालन मेड़ता में, जबकि जन्म एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो कुड़की गांव पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंत की प्रधान पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? शाहपुरा, नारायणा, गेटोलाव, उंडू काश्मीर। दादू पंत, पहली बात तो अपने को पता रहे कि दादू पंत, इसकी स्थापना, दादू पंत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1574 में दादू जी के द्वारा की गई थी। प्रधान पीठ शाहपुरा, गलत है। शाहपुरा रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ है, शाहपुरा रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ है। उंडू काश्मीर, उंडू काश्मीर लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान है, लोक देवता रामदेव जी, लीले घोड़े वाला बाबा, रूणीचेरा दणिया, खम्मा खम्मा और रूणीचे वाला बाबा, तो रामदेव जी का जन्म स्थान उंडू काश्मीर शिव तहसील जिला बाड़मेर है। गेटोलाव दादू पंत का एक स्थान तो है, लेकिन दादू पंत की एक शाखा है नागा शाखा, उस नागा शाखा से संबंधित जगह है गेटोलाव दोसा, जो कि सुंदरदास जी नाम के एक संत हुए थे उनके द्वारा, जिन्हें दूसरा शंकराचार्य भी कहते हैं। नारायणा, बिल्कुल सही है, नारायणा या नरेना आप कह सकते हो, दुद्दू के पास में एक जगह पड़ती है नरेना, ये दादू जी की प्रधान गद्दी थी, यानी दादू पंत की प्रधान गद्दी थी, और इस नरेना को 1602 ईस्वी के
केंद्र दादू जी ने अपना प्रधान केंद्र बनाया था। दादू पंत 1574 में बन गया था, जबकि नरेना दादू पंत की गद्दी बनी थी 1602 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकेंड। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक, लालदासी संप्रदाय के संस्थापक संत लालदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? दौलीदू गांव, सोडा गांव, पिपासर गांव, डेरा गांव। नीचे चार लोकेशन लिखी गई है और उनमें पूछा गया लालदास जी, क्योंकि महत्वपूर्ण संत है। पटवार के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत कौन है, मध्यकालीन मेवात के प्रमुख लोक संत लालदास जी है और इनका जन्म स्थान पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि ये मेवात क्षेत्र के हैं और मेवात का मतलब अलवर और भरतपुर से संबंध रखने वाला है। अब अगर ये गांव अपन आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सा गांव कहाँ है तो अपने ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। डेहरा गांव ये मैं कन्फर्म जानता हूँ, अलवर के अंदर मेरा गया हुआ है, इस डेरा गांव के अंदर अलवर के अंदर है। पिपासर, पिपासर में 50 बार जा चुका हूँ, पिपासर नागौर के अंदर है, पिपासर नागौर के अंदर है। सोडा गांव निकलता ही रहता हूं, सोडा गांव के बीच में से ये टोंक के अंदर पड़ता है। दौलीदू गांव में से भी 2-3 बार निकल गया, ये अलवर के अंदर है। इसका मतलब मेवात के गांव दो ही ऑप्शन में है, एक तो दौलीदू और एक डेरा। तो या तो उत्तर डेरा होगा या दौलीदू होगा, डेरा नहीं होगा क्योंकि संत चरणदास जी का जन्म स्थान है डेरा, संत चरणदास जी। जबकि अपने से एक क्वेश्चन में पूछा लालदास जी, पिपासर संत जाम्बोजी, पिपासर किसका जन्म स्थान है? जाम्बोजी। सोडा गांव संत रामचरण जी, रामचरण जी। और दौलीदू गांव, दौलीदू गांव 1540 लालदास जी चांदमल व समदा के घर पर मेव जाति के लकड़हारा परिवार में इनका जन्म हुआ था और गुरु गदन चिश्ती से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी। तो माता पिता का नाम चांदमल समदा, मेव जाति के लकड़हारा परिवार में दौलीदू गांव अलवर में लालदास जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस लोक देवता के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है? यानी ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके मेले में 13 ताली नृत्य करते हैं? 13 ताली नृत्य तो अपन जानते ही हैं कि कांवड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं, जमीन पर बैठकर करती हैं, 13 मंजीरों का यूज करती है, 9 मंजीरें पैर पर बांधती है, 4 मंजीरें हाथ पर बांधती है और इनको आपस में टकराते हुए जमीन पर बैठ करके कांवड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। बस पूछा जा रहा है कि किस लोक देवता के सम्मान में 13 ताली नृत्य होता है? तो जसनाथ जी नहीं, जसनाथ जी के आराधना में फायर डांस अग्नि नृत्य होता है, जसनाथ जी की आराधना में अग्नि नृत्य। मल्लीनाथ जी है, लालदास जी नहीं, आपका सही उत्तर होगा रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य होता है। और ध्यान रखना 13 ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी पादरला गांव, पादरला गांव कहाँ पर पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई, मांगी बाई किसकी प्रसिद्ध डांसर है? 13 ताली नृत्य की फेमस डांसर है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अग्नि नृत्य, देखो आई गया प्रसिद्ध अग्नि नृत्य, इस साल आरएसपी में भी आया था और मैं जब आरएसपी वाला एग्जाम हो रहा था मैं पहले से ही तुम्हें कह रहा था, मैंने कहा रे इस साल विधानसभा चुनाव है, अलग अलग जातियों के सम्मेलन हो रहे हैं और आपके जसनातियों का एक सम्मेलन हुआ था विद्याधर नगर जयपुर के अंदर। उस सम्मेलन में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे थे, नागौर के सांसद और सुप्रीमो आरएलपी हनुमान बेनीवाल भी वहां पर पहुंचे थे, तमाम बड़े बड़े राजनेता वहां पर पहुंचे थे। सीएम साहब के सामने वहां पर एक बहुत बड़े स्तर पर फायर डांस किया गया था, अग्नि नृत्य किया गया था और चर्चाओं में था, आरपीएससी की नजर पड़ी और 2023 वाले प्री के अंदर पूछ लिया कि अग्नि नृत्य कहां का फेमस है। तो ध्यान रहे अग्नि नृत्य किसकी आराधना में होता है? पूरी दुनिया को पता है और नहीं है तो चलवा देंगे दुनिया को पता, जसनाथ जी की आराधना में होता है। किस स्थान का फेमस है? कत्रियासर का फेमस है, ध्यान रखना कत्रियासर। कत्रियासर कहां पर है? बीकानेर में है। और नृत्य के दौरान नारा दिया जाता फतेह 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 फतेह, एक है फायरे फायरे, ये बिलों का रणघोष है, भील जनजाति के लोग जब भी युद्ध में उतरते हैं तो नारा देते हैं फायरे फायरे, और जसनाती जब ये फायर डांस करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं तो नारा देते हैं फतेह फतेह। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अणबैवाणी ग्रंथों की रचना की गई? अणबैवाणी ग्रंथों की रचना की गई थी, संत हरिरामदास जी, हरिरामदास जी का ग्रंथ है निशानी। हरिरामदास जी का ग्रंथ कौन सा है? निशानी। देखो सेनानी अलग है,
सावधानी हटी दुर्घटना घटी और राजस्थान प्रधान अठे शब्द शब्द का खेल है। सेनानी बुक अलग है, चुंडावत मांगी सेनानी ने शीश काट दे दी ओ सतराणी, वो मेघराज मुकुल की बुक है जो हाड़ी रानी सहल कंवर की बहादुरी का वर्णन करती है और इस बुक का नाम है निशानी। निशानी हालांकि दोनों का मीनिंग एक ही है, चाहे निशानी बोल दो चाहे सेनानी बोल दो, लेकिन नाम अलग अलग है, बुक का नाम अलग अलग है। सेनानी मेघराज मुकुल की बुक है और निशानी हरिराम दास जी की बुक है। दादूजी ने खूब सारी बुक लिखी थी। दादूजी ने लिखा था दादूजी रा दोहा, दादूजी री वाणी, दादूजी री पर्ची, काया बेली, परिचय का अंग, अंग वधु, हरडे वाणी, ये सब बुक संत दादूजी की बुक्स है। संत दरियाव जी नहीं, संत दरियाव जी कौन है? राम सनई संप्रदाय की रेण शाखा के संस्थापक है संत दरियाव जी। और संत रामचरण जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, संत रामचरण जी की बुक है अणबेवाणी। राम सनई संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी, इन्होंने ये बुक लिखी थी। राम सनई संप्रदाय के उपदेश इसी बुक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा, वीर नारायण परमार, उपयुक्त में से कोई नहीं। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता है, फटाफट से बताओ भाई, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता महाराणा लाखा है? लाखा जी ने तो नहीं बनवाया था। वीर नारायण परमार गलत है, इन्होंने सिवाना का दुर्ग बनवाया था। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। अचलगढ़ दुर्ग है कहां पर? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर है और सिरोही के अंदर इस दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। कवि राजा श्यामल दास की बुक है वीर विनोद, उस वीर विनोद के अंदर लिखा हुआ है कि मेवाड़ क्षेत्र में कुल 84 फोर्ट्स है, कुल 84 दुर्ग है, जिनमें से 32 दुर्ग अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। 84 दुर्ग टोटल है उधर, जिनमें से 32 दुर्ग अकेले कुंभा ने बनवाए थे। इसका मतलब अचलगढ़ का किला जो सिरोही के अंदर स्थित है वो भी महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक अजमेर में स्थित नहीं है? या नीचे कुछ स्मारक लिखे गए हैं, इनमें से कौन सी एक जगह अजमेर में नहीं है? जो अजमेर में नहीं है वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, सोनी जी की नसियां, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, ये तो मैंने बोल ही दिया तारागढ़ दुर्ग, मतलब ये तो पक्का अजमेर में है ही है, तुलजा भवानी मंदिर, कौन सा एक जगह अजमेर में नहीं है? देखो तारागढ़ दुर्ग पर तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, ये तो अजमेर में है। हालांकि तारागढ़ राजस्थान में दो है, एक तारागढ़ बूंदी वाला है और एक तारागढ़ अजमेर वाला है, तो तारागढ़ तो अजमेर है ही है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा भी अजमेर में है, ध्यान रखना। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जहाँ किसी समय संस्कृत पाठशाला चलती थी और विग्रहराज चतुर्थ ने वो पाठशाला बनवाई थी, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वा करके अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था। और ये जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है इसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है, यानी इससे पहले राजस्थान में कोई मस्जिद नहीं थी। राजस्थान की प्रथम मस्जिद किसे माना जाता है? अढ़ाई दिन का झोंपड़े को माना जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर ये झोंपड़ा क्या अढ़ाई दिन में बनाता क्या, ढाई दिन में बनाता क्या? नहीं, ढाई दिन में बना नहीं था, ढाई दिन का उर्स लगता है पंजाब सा पीर का, इसलिए इसका नाम है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। बना ढाई दिन में नहीं था, पंजाब सा पीर का ढाई दिन का उर्स लगने के कारण इसका नाम पड़ा अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। तो यह भी अजमेर में है। सोनी जी की नसियां, बिल्कुल सोनी जी की नसियां अजमेर में है। एक जैन मंदिर है सोनी जी की नसियां, जैन मंदिर, और ये लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए इसे राजस्थान का लाल मंदिर भी कहते हैं, राजस्थान का लाल मंदिर भी कहते हैं। तो फिर कौन सा नहीं है सर? तुलजा भवानी का मंदिर नहीं है। तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। महाराज छत्रपति शिवाजी की इष्ट देवी है तुलजा भवानी, अतः विकल्प क्रमांक डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला किला निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बाला किला किस जिले में स्थित है? नीचे चार विकल्प है, अलवर, हनुमानगढ़,
चूरू बीलवाड़ा, फटाफट बताइएगा बाला किला किसके अंतर्गत स्थित है? बीलवाड़ा तो नहीं है, चूरू नहीं है, हनुमानगढ़ नहीं, हनुमानगढ़ का पहले नाम था बटनेर, बटनेर। और 1805 ईस्वी के अंदर बीकानेर के एक राजा थे सूरत सिंह, उन्होंने बटनेर को जीत लिया। और जिस दिन बटनेर जीतता था उस दिन मंगलवार था, और आज मंगलवार है, बालाजी का वार है, मंगलवार हनुमान जी का वार, और हनुमान जी के वार पर इसका नाम बताओ कौन सा गढ़ कर दिया था, हनुमानगढ़ कर दिया था मंगलवार को जीतने के कारण। बाकी इसका पहले नाम था बटनेर। बाला किला अलवर के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं, ये जो बाला किला है इसको 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं, ध्यान रखना। और इसी को कहते हैं कुंवारा दुर्ग, कुंवारा दुर्ग, कुंवारा दुर्ग। आखेंगे सर दुर्गों की भी शादियां होती थी क्या, क्या ये कुंवारा रह गया था क्या? नहीं, कुंवारा दुर्ग का मतलब ये है कि राजस्थान में लगभग एक गणना के मुताबिक 256 दुर्ग है, छोटे मोटे अगर मिलाया जाए तो लगभग 250 का आंकड़ा क्रॉस कर जाता है, 256 दुर्ग है राजस्थान के अंदर। और सभी दुर्गों पर कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति ने अटैक किया ही किया था, लेकिन ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला बच गया था जिस पर कभी कोई बाहर का आक्रमण हुआ ही नहीं था, यानी कुंवारा ही रह गया था, कोई अटैक ही नहीं हुआ था। ध्यान रहे राजस्थान का लोहागढ़ का किला अजय दुर्ग है, अजय दुर्ग का मतलब उस पर अटैक खूब हुए थे लेकिन कोई जीत नहीं पाया था, 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे, वो किला लोहागढ़ का किला था जिसको कोई जीत ही नहीं पाया था, अजय रह गया था। लेकिन वह किला जिस पर अटैक ही नहीं हुआ था वो था आपका अलवर का किला, इसीलिए इसको कौन सा किला कह दिया गया है, कुंवारा दुर्ग कह दिया गया, बाला किला अलवर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिनाथ मंदिर, आदिनाथ मतलब ऋषभ देव जी की बात हो रही, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थ करते ऋषभ देव जी उनकी बात हो रही, आदिनाथ मंदिर। नेमिनाथ मंदिर कहां पर अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? बाडोली, बाडोली का शिव मंदिर फेमस है, बाडोली का शिव मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। ओसिया, ओसिया में महावीर स्वामी जी का मंदिर है, वैसे महावीर जी का प्रमुख जो मंदिर है वो करौली के अंदर है, लेकिन राजस्थान का सबसे प्राचीनतम महावीर मंदिर ओसिया के अंदर है। बंड देवरा, बंड देवरा के अंदर तो शिव मंदिर है, तो फिर कौन सा मंदिर है सर? इसका सही उत्तर होगा देलवाड़ा, देलवाड़ा कहां पर है? सिरोही के अंदर है। देलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत फेमस जैन मंदिर है, देलवाड़ा में कुल 5 जैन मंदिरों का समूह है, देलवाड़ा में कुल 5 मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर, देखो मैं यहां पर लिख ही देता हूं आपको ताकि याद रह जाए, देलवाड़ा जैन मंदिर। और देलवाड़ा जो जैन मंदिर है ये जैन धर्म का प्रमुख स्थान है, यहां कुल 5 मंदिर समूह है, और 5 मंदिर समूह में पहला मंदिर है विमलवसी मंदिर, विमल वसी मंदिर, विमल शाह ने बनाया था, पिछली बार PSI में इसका निर्माता पूछा था, पुलिस सब इंस्पेक्टर जो 3 शिफ्टों में हुआ था, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम था 14 सितंबर वाला, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि विमल वसी मंदिर का निर्माता कौन था, तो विमल वसी मंदिर एक तो देलवाड़ा में है, विमल वसी मंदिर के अलावा एक यहाँ पर लूण वसी मंदिर स्थित है, लूण वसी मंदिर, लूण वसी के अलावा एक यहाँ पर मंदिर बना हुआ है पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर के अलावा एक यहाँ पर बना हुआ भीमाशाह मंदिर, भीमाशाह जैन मंदिर, और भीमाशाह जैन मंदिर के अलावा एक यहाँ पर है महावीर जैन मंदिर, यानी टोटल कितने मंदिर है? 5 मंदिर। आप कहेंगे सर इन 5 में तो कहीं आदिनाथ और नेमिनाथ का नाम ही नहीं है, फिर आपने क्यों लगा दिया? देखिएगा यहाँ पर जो पहला विमल मसी मंदिर है ये ऋषभ देव जी का मंदिर है, नाम विमल शाह ने बनवाया था इसलिए इसका नाम विमल मसी हो गया, बाकी ऋषभ देव जी को समर्पित है, यानी ऋषभ देव को अपन आदिनाथ जी भी बोलते हैं। दूसरा जो लूण वसी मंदिर है ये नेमिनाथ जी को समर्पित है, ध्यान रखना ये किसको समर्पित है? नेमिनाथ जी को समर्पित है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। भीमाशाह ये फिर से ऋषभ देव जी को समर्पित है, और ऋषभ देव इन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं? आदिनाथ जी बोल देते हैं, और लास्ट वाला महावीर जी को समर्पित है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थ करते, सारे याद नहीं रहे तो कम से कम पहला याद रखो ऋषभ देव जी, 22वां याद रखो नेमिनाथ जी, 23वें याद रखो पार्श्वनाथ जी, और 24वें याद रखो महावीर स्वामी जी। और आज महावीर स्वामी जी का तो जन्मोत्सव और है, जयंती और है, महावीर जयंती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, तो महावीर जी जैन धर्म के कौन से तीर्थ करवा करते थे? 24वें तीर्थ करवा करते थे। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी का मतलब क्या उत्तर होगा? देलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर और शिला देवी मंदिर बने हुए हैं? आमेर, मेहरानगढ़, अचलगढ़, चौमुआगढ़,
कौन से मंदिर में जगत शिरोमणि मंदिर, कौन से दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर और आपका शिला देवी का मंदिर बना हुआ है? चोमुआगढ़, नहीं, चोमुआगढ़ का मतलब चोमू, जो चोमू है आज का चोमू उसको पहले चोमुआगढ़ कहते थे, क्योंकि वहां का जो किला बना हुआ था, जो चारों दिशाओं में उसके एंट्री और एग्जिट के गेट बने हुए थे, चार मुख में बना हुआ किला चोमुआगढ़, जिसे रघुनाथगढ़ और धाराधारगढ़ भी आप कहते हो, गलत है। अचलगढ़ अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता के अलावा नागनेची माता का मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है, वहां पर गणानंद का मंदिर है, और भी ऐसे एक दो मंदिर है। आपका करेक्ट आंसर होगा आमेर। आमेर का किला यहां पर बना हुआ है। यहां पर देखो जगत शिरोमणि का जो मंदिर है, ये बड़ा फेमस मंदिर है। फेमस इसलिए है, एक तो इस मंदिर का निर्माण याद रखना, मानसिंह प्रथम की रानी थी कनकावती, मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने यह मंदिर बनवाया था। कनकावती के एक बेटा था जगत सिंह, जो बंगाल में रह रहा था, बंगाल में भगवान जाने जगत सिंह को कौन सी बीमारी हुई थी, वो बंगाल में उसकी डेथ हो गई थी, तब कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में यह मंदिर बनवाया, जिसका नाम हो गया जगत शिरोमणि मंदिर। लेकिन इस मंदिर की जो मूर्ति है, इस मंदिर में कभी तुम जाओगे, जो मूर्ति लगी हुई है, वो मूर्ति चित्तौड़गढ़ से लाई गई है, और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा कुंभा ने एक मंदिर बनवाया था कृष्ण जी का, और उस मंदिर की मूर्ति की पूजा मीराबाई करती थी। मीराबाई की शादी हुई थी चित्तौड़गढ़ में, और मीरा चित्तौड़गढ़ के कृष्ण मंदिर में बैठकर कई वर्षों तक उस मूर्ति की, कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा करती रही थी। जिस मूर्ति को मीरा पूजती थी, उसी मूर्ति को कालांतर में आमेर के कौन से मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया था, जगत शिरोमणि मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया था। यहां की मूर्ति को खुद मीराबाई पूजा किया करती थी चित्तौड़गढ़ में रहते हुए, तो ये कनकावती ने बनवाया। आमेर के अंदर एक मंदिर है शिला देवी, शिला देवी का मंदिर, ये कछवा राजाओं की इष्ट देवी है, और देवी की मूर्ति बंगाल से लाई गई है। बंगाल में एक जगह पड़ती है जसोर, वहां से लाया था। कौन मंदिर किसने बनवाया था? मानसिंह ने। मानसिंह ने जयपुर में कुल तीन मंदिर बनवाए थे, वैसे छोटे मोटे और भी बनवाए होंगे, लेकिन तीन मंदिर। मानसिंह जी के बारे में दोहा चलता है कि सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हड़मान, आमेर की शिला देवीन ओ लायो मारो मान। सांगानेर में एक तो मंदिर बना हुआ सांगा बाबा का, जयपुर के भोमिया जी है सांगा बाबा, हर गांव में एक भोमिया जी होते हैं, वैसे जयपुर के भोमिया जी है सांगा बाबा। सांगानेर को सांगो बाबो, यानी सांगानेर के सांगा बाबा का मंदिर उन्होंने बनवाया था। जयपुर को हड़मान, हड़मान का मतलब हनुमान जी। आप जयपुर में चांद पोल कभी जाएंगे तो चांद पोल के ऊपर एक बहुत बड़ा बालाजी का मंदिर बना हुआ है, जो चांद पोल पर बालाजी का बड़ा मंदिर बना हुआ है, हालांकि उस समय जयपुर बना ही नहीं था, उससे पहले वो मंदिर बन गया था, और वो चांद पोल वाले हनुमान जी का मंदिर मानसिंह ने बनवाया था। सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हड़मान, आमेर की शिला देवी और ओ जायो मारो मान, एक आमेर की शिला देवी, इन तीन मंदिरों को लाने वाला मेरा मान था। मेरा मान मतलब कौन सा सिंह था? मानसिंह प्रथम था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आमेर का किला। नेक्स्ट, उदयपुर में स्थित सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया था महाराणा लाखा, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा सजन सिंह, महाराणा राज सिंह। उदयपुर कभी विजिट करने जाएंगे तो सहेलियों की बाड़ी आपको अलग टाइप से अट्रैक्ट करेगी। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा लाखा? नहीं, देखो लाखा जी के काल में उदयपुर का फेमस टूरिस्ट पॉइंट पिछोला झील बना था। लाखा खुद ने नहीं बनवाया था, पिछोला झील पिच्छू बंजारे ने बनवाई थी, लेकिन उस समय मेवाड़ की कुर्सी पर राणा लाखा बैठे थे। महाराणा राज सिंह ने उदयपुर में एक तो जन्ना सागर तालाब बनवाया था, एक इनकी रानी थी राज सिंह की जिसका नाम था राम रस दे, इन्होंने उदयपुर के अंदर त्रिमुखी बावड़ी बनवाई थी, त्रिमुखी बावड़ी जिसे आप जया बावड़ी भी बोल देते हो, और महाराणा राज सिंह ने उदयपुर में एक देबारी घाटी का किला बनवाया था। इसका सही उत्तर होगा महाराणा संग्राम सिंह सेकेंड, 1710 से 1734 तक मेवाड़ की कुर्सी पर रहे थे, महाराणा संग्राम सिंह ने सहेलियों की बाड़ी बनवाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ मंदिरों के नाम लिखे गए हैं, सामने उनकी स्तुति लिखी गई है, और बताइएगा कौन सा जोड़ा मैच नहीं कर रहा है। मैं पानी पी रहा हूं तब तक तो आंसर फटाफट से आई जाना चाहिए, कौन सा जोड़ा असंगत है।
हाँ भाई देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। सबसे पहली बात, केसरिया नाथ जी का मंदिर रणकपुर, रणकपुर नाम की जगह है पाली में, ये कंफ्यूज वाला छोड़ दो, समझ नहीं आ रहा। तो एक बार सच्याई माता का मंदिर ओसिया, ये तो मुझे कन्फर्म आता है कि सच्याई माता का मंदिर ओसिया में है, 100% सही बात है। और ओसवाल जाति की कुल देवी है, ओसवाल जाति, ओसवाल जाति के लोग यहाँ काफी संख्या में रहते हैं और ओसवाल जाति की अधिकता के कारण ही इस क्षेत्र का नाम ओसिया पड़ गया था। जैसे पालीवाल ब्राह्मण सबसे ज्यादा रहते हैं इसलिए उस क्षेत्र का नाम पाली पड़ गया था। पाली नाम क्यों पड़ा? पालीवाल ब्राह्मणों की अधिकता के कारण पड़ा। ओसिया नाम क्यों पड़ा? ओसवाल जाति के लोगों की अधिकता के कारण इस बेल्ट का नाम क्या हो गया था? ओसिया। यहां सच्याई माता का मंदिर है, ओसवाल जाति की कुल देवी है सच्याई माता। मदन मोहन जी का मंदिर करौली, बिल्कुल सही है। 1735 के अंदर गोपाल सिंह जी ने यह मंदिर बनवाया था, मदन मोहन जी का मंदिर करौली। गोड़िये संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है मदन मोहन जी का मंदिर करौली। अब या तो बचा केसरियानाथ जी का मंदिर और या सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। किराड़ू कहां पर है? हातमा गांव बाड़मेर। तो सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, बिल्कुल सही बात है। किराड़ू के अंदर मंदिर बना हुआ, किराड़ू के अंदर टोटल 5 मंदिर है, उन 5 मंदिरों में जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो सोमेश्वर मंदिर है। तो फिर केसरियानाथ जी रणकपुर में केसरियानाथ जी कहां? रणकपुर का जैन मंदिर है जो ऋषभ देव जी को समर्पित है, 1444 खंभों वाला मंदिर है रणकपुर का जैन मंदिर, बड़ा फेमस टेम्पल है, स्तंभों का वन कहते हैं उस मंदिर को। केसरियानाथ जी का जो मंदिर है ये दुलेव गांव में है और दुलेव गांव उदयपुर जिले के अंदर पड़ता है। यहां केसरियानाथ जी बोल दो, इन्हें स्थानीय लोग काला बाबू जी भी बोलते हैं, ऋषभ देव जी भी बोलते हैं, यहां चैत्र कृष्ण अष्टमी और चैत्र कृष्ण नवमी को मेला भी भरता है। तो अनमैच्ड पेयर आपका बताओ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए केसरियानाथ जी का मंदिर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, किशनगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1619, 1604, 1629, 1609। किशनगढ़ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1619, 1604, 1629, 1609। फटाफट से बताइए, किशनगढ़ की जो स्थापना हुई थी वो 1609 ईस्वी के अंदर हुई थी। किसने की थी? मोटा राजा जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह द्वारा की गई थी। किशन सिंह ने शहर बसाया इसलिए नाम हो गया किशनगढ़। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह द्वारा स्थापना की गई थी, यानी 1609 ईस्वी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा किशनगढ़। नेक्स्ट, चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध राजकीय ब्रजविलास संग्रहालय कहाँ है? चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध राजकीय ब्रजविलास संग्रहालय कहाँ पर है? धौलपुर, भरतपुर, कोटा, जयपुर। फटाफट से बताइए। देखो जयपुर तो नहीं है, जयपुर में चित्रकला से संबंधित जो महत्वपूर्ण संग्रहालय है पोती खाना संग्रहालय है। कौन सा संग्रहालय है? पोती खाना संग्रहालय है, ध्यान रहे पोती खाना संग्रहालय। तो फिर धौलपुर भरतपुर ब्रज वाला क्षेत्र, ध्यान रहे ब्रज विला से भरतपुर धौलपुर कर मत देना, कोटा इसका सही उत्तर होगा। एक तो माधो सिंह संग्रहालय, ध्यान रहे चित्रकला से संबंधित एक म्यूजियम है माधो सिंह संग्रहालय और माधो सिंह संग्रहालय के अलावा ब्रज विलास संग्रहालय, ध्यान रहे माधो सिंह संग्रहालय और ब्रज विलास संग्रहालय, ये कोटा के अंदर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कोटा। नेक्स्ट, कोलवी बौद्ध गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोलवी बौद्ध गुफा, फटाफट बताइए कोलवी बौद्ध गुफा कहाँ से प्राप्त हुई है? कोलवी की बौद्ध गुफाएं, ये 5वीं से 7वीं सदी के बीच की बताई जाती है, 5वीं से 7वीं सदी के बीच की। और कोलवी की बौद्ध गुफाएं किस स्थान से खोजी गई है? झालावाड़। जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है ब्रेक, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक दो एग्जाम में आ भी चुकी है, आगे भी आएगी। नेक्स्ट, संत सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? संत सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? गलियाकोट, नरहड़, आपका सरवाड़,
कपासन। संत सैयद फकरुद्दीन की दरगाह, फटाफट से बताइएगा संत सैयद फकरुद्दीन की दरगाह किस स्थान पर है, फटाफट से इसका आंसर आ जाना चाहिए। चार विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? संत सैयद फकरुद्दीन की दरगाह, 62 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? देखते हैं, गलियाकोट, नरहड़ के अलावा सरवाड़ के अलावा कपासन, और कपासन के अलावा बताइए कौन सा आ रहा है? कपासन के अलावा सरवाड़, कपासन, नरहड़। अरे ये जगह का नाम है गलियाकोट, और गलियाकोट यहां एक तो पीर फकरुद्दीन की दरगाह है, और पीर फकरुद्दीन की दरगाह के अलावा बोरा संप्रदाय का उर्स लगता है, यहीं पर लगता है, फकरुद्दीन की मजार के ऊपर, फकरुद्दीन की दरगाह के ऊपर लगता है। गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए भी फेमस है, ध्यान रखना, रमकड़ा उद्योग यानी बच्चों के खिलौने वगैरह के लिए फेमस है। तो गलियाकोट तीन चीजों के लिए जाना गया, पहला सैयद फकरुद्दीन की दरगाह यहां पर स्थित है, दूसरा बोरा संप्रदाय का उर्स लगता है, और तीसरा गलियाकोट किसके लिए विख्यात है? रमकड़ा उद्योग के लिए विख्यात है। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? कौन सा ऐसा स्मारक है जो चित्तौड़गढ़ के किले में नहीं है? चार विकल्प है, उनमें से अपने को बताना जो चित्तौड़गढ़ में नहीं है। विजय स्तंभ, जैमल फत्ता के महल, तुलजा भवानी मंदिर, जाली रानी का मालिया, कौन सा स्मारक चित्तौड़गढ़ में नहीं है? विजय स्तंभ ये तो कन्फर्म है, विजय स्तंभ जो कि 9 मंजिला भवन है, किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। मालवा विजय की स्मृति में 9 मंजिला भवन राणा कुंभा ने बनवाया, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रमुख स्मारक है। जैमल फत्ता के महल, वैसे यह जैमल फत्ता की हवेली है, एक ही बात है। जैमल फत्ता महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे, और ये हवेली बाद में बनी थी, लेकिन ये सेनापति किसके थे? महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे, और महाराणा उदय सिंह के सेनापति जो अकबर ने जब 1568 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब चित्तौड़ की रक्षा करते हुए जैमल और फत्ता शहीद हुए थे, इसी समय चित्तौड़गढ़ का तीसरा वे अंतिम शाखा हुआ था। तुलजा भवानी मंदिर बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में, मैंने अभी बताया था, बनवीर ने बनवाया था। जाली रानी का मालिया चित्तौड़गढ़ में नहीं है, जाली रानी का मालिया कुंभलगढ़ के किले में बना हुआ है, जाली रानी का मालिया कुंभलगढ़ में। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, जाली रानी का मालिया नहीं है। नेक्स्ट, जयपुर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? मैंने आपको कई सारे शहरों के एक साथ ही बताए थे, मैंने कहा सबका याद रखना, एक तो जयपुर तो याद रखो ही रखो, जयपुर के अलावा या मैं यूं लिख देता हूं, सबसे पहले जोधपुर के बाद में बीकानेर के बाद में उदयपुर के बाद में किशनगढ़ के बाद में आपका जयपुर और जयपुर के अलावा सवाई माधोपुर, ये जो प्रमुख नगर है इनके बारे में तो अपने को पता रह ही रहे, और एक कोटा इनको याद रख लो। देखो जोधपुर 1459 के अंदर राव जोधा ने बनाया था, बीकानेर 1488 में राव बीका ने बनाया था, उदयपुर 1559 में उदय सिंह ने बनाया था, किशनगढ़ 1609 में किशन सिंह ने बनाया था, जयपुर 18 नवंबर 1727 सवाई जयसिंह ने बनाया था, 1763 में माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर बनाया था, 1631 में माधो सिंह ने कोटा बनाया था। तो ये कुछ प्रमुख नगर है जिनके बारे में याद रखना, 18 नवंबर 1727 जयपुर की स्थापना की थी सवाई जयसिंह ने, और पूरे विश्व का पहला शहर है जयपुर जिसको वास्तु नियोजित तरीके से बसाया गया था, विद्याधर भट्टाचार्य ने इसका नक्शा बनाया था, और एक जेवियर डी सिल्वा जो पुर्तगाली थे उन्होंने भी इस नक्शे में मदद की थी। विद्याधर भट्टाचार्य मुख्य वास्तुकार था, विद्याधर भट्टाचार्य के सम्मान में जयपुर में विद्याधर नगर भी बना हुआ है। तो आपका ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, 1727 ईस्वी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत मलिक शाह का मकबरा किस दुर्ग में स्थित है? सूफी संत मलिक शाह का मकबरा किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग, आमेर दुर्ग। मलिक शाह का मकबरा, मैंने आपको आगे भी बताया था, देखो एक तो संत मित्तेसा ये याद रहे, एक तो संत मित्तेसा,
एक संत मीटे शाह की दरगाह, ये तीन चार दुर्गों के अंदर जो दरगाहें हैं, संत मीटे शाह की दरगाह, संत मीटे शाह के दरगाह के अलावा एक अपने को याद रखना है मलिक शाह पीर की दरगाह, मलिक शाह पीर की दरगाह, मलिक शाह पीर की दरगाह, मलिक शाह पीर की दरगाह। इसके अलावा मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, और एक पीर सदरुद्दीन की दरगाह। ये चार दरगाहें दुर्गों के अंदर स्थित हैं, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। यह जो दरगाह है ये पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये चार दरगाहें अपने को याद रखनी है। मीटे शाह की दरगाह गागरोन के किले के अंदर है, गागरोन में। मलिक साहब पीर जालोर के किले के अंदर है, जालोर। मीरान साहब तारागढ़ के अंदर है, तारागढ़ कौन सा, अजमेर वाले की बात कर रहा हूं मैं, तारागढ़ अजमेर। और पीर सदरुद्दीन की दुर्गा रणथंबोर के किले के अंदर है, रणथंबोर दुर्ग के अंदर है। तो ये चार प्रमुख दरगाहें हैं। इनमें से पूछा मलिक शाह का मकबरा या दरगाह कहां पर है, तो जालोर। जालोर किस किले को कहते हैं, स्वर्णगिरी। आपका सही उत्तर होगा स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है, कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है। पटुओं की हवेली, इस साल का जो आर एस प्री का एग्जाम था उसमें नतमल की हवेली का प्रश्न आया था कि नतमल की हवेली कहां स्थित है, तो कौन सी जैसलमेर में नहीं है। पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली तो जैसलमेर में है, बिल्कुल सही बात है, पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। सेठ गुमानचंद बापना ने इस हवेली का निर्माण करवाया था, गुमानचंद बापना ने इस हवेली का निर्माण करवाया था, बिल्कुल है। नतमल की हवेली, ये भी जैसलमेर में है, जैसलमेर के प्रधानमंत्री नतमल ने यह हवेली बनवाई थी। सालिम सिंह की हवेली, ये भी बिल्कुल जैसलमेर में है, गोई नका हवेली नहीं है, गोई नका सेकावाटी की मुख्य हवेली है, सेकावाटी की मुख्य हवेली है, ध्यान रखना। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिर से आ गया भाई, जोधपुर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। कक्षा 9 की किताब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, 9 में जो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूं। आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था, फिर से रिपीट हो गया, करना ही पड़ेगा सॉल्व। बताइएगा जोधपुर की स्थापना मेरे बर्थडे से 8 दिन पहले हुई थी। मेरा बर्थडे कब आता है, जीके का प्रश्न याद होना ही चाहिए, मेरा बर्थडे 20 मई को, मेरे बर्थडे से 8 दिन पहले जोधपुर की स्थापना, जोधपुर की स्थापना 12/5/1459 को राव जोधा के द्वारा की गई थी, राव जोधा 1459। ऑप्शन ए इसका सही और सटीक उत्तर होगा, 1459 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सात सहेलियों का मंदिर बना हुआ है, सात सहेलियों का मंदिर बना हुआ है, किस स्थान पर बना हुआ है, ध्यान रखना, सात सहेलियों का। जालरापाटन, ओसिया, चावंड, डूंगरपुर, नहीं डूंगरपुर में तो सात शैलियों का मंदिर नहीं है, सोमनाथ मंदिर है जो कच्छपात शैली में बना हुआ, डूंगरपुर का बड़ा फेमस मंदिर है, ध्यान रखना। डूंगरपुर के अंदर एक मंदिर है सोमनाथ मंदिर, और ये जो सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर है ये कच्छपात शैली का एक ही मंदिर है अपने यहां पर, कच्छपात शैली का ये बड़ा फेमस मंदिर है। चावंड, चावंड के अंदर, चावंड अब सलूम्बर में आता है, चावंड पहले उदयपुर में था, चावंड अब सलूम्बर में आता है, यहां महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था। ओसिया नहीं, हाँ तो इसका सही उत्तर होगा जालरापाटन। जालरापाटन बताओ कहां पर पड़ता है, झालावाड़ में पड़ता है, जालरापाटन झालावाड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुनहरी कोटी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, सुनहरी कोटी, एक तो लाल कोटी जयपुर में, एक वजीर कोटी भरतपुर में, सुनहरी कोटी सिंपल सा क्वेश्चन है, सुनहरी कोटी टोंक के अंदर है। यहां पर ध्यान रहे सुनहरी कोटी का प्रारंभिक नाम याद रखना, सुनहरी कोटी इसका प्रारंभिक नाम था जरगिनार, जब ये कोटी बनी थी तब इसका नाम क्या रखा गया था, जरगिनार रखा गया था, जरगिनार। और ये 2 मंजिला कोटी है जिसका पहली मंजिल बनवाई थी वजीउ दौला ने और दूसरी मंजिल इसकी बनवाई थी इब्राहिम अली खान ने, इब्राहिम अली खान ने यहां सोने का काम करवाया, इसलिए सुनहरी कोटी किस स्थान पर हो जाएगा, टोंक में हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट,
डूंगरपुर राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? फटाफट से बताइएगा, डूंगरपुर राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? हाँ, डूंगरपुर राज्य, देखो ज्यादातर डूंगर सिंह कर देंगे, नहीं डूंगर सिंह नहीं करना है। 14वीं सदी में रावल वीर सिंह ने डूंगरपुर राज्य की स्थापना की थी, ध्यान रखना। और ये रावल वीर सिंह जिन्होंने डूंगरपुर के अंदर जूना महल भी बनवाया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था? जालोर, जालरापाटन, नागौर, बीकानेर। देखो जालोर का तो नहीं था, जालोर का प्राचीन नाम श्रीमाल था। क्या नाम था? सॉरी, जालोर का क्या, बीनमाल का नाम था श्रीमाल। जालोर का प्राचीन नाम तो जबालीपुर था। जालनगर था, स्वर्णगिरी था, स्वर्ण नहीं सू वाली मात्रा आती नीचे, जालरापाटन नहीं, बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश। अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम था? नागौर का प्राचीन नाम था। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस महाराणा के समय सिहाड़ में श्री नाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई? यानी मेवाड़ के किस महाराणा के समय सिहाड़ में श्री नाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई? महाराणा राज सिंह, महाराणा सजन सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा जगत सिंह। देखो नाथ द्वारा अपने राजस्थान में कृष्ण भक्ति का प्रमुख केंद्र है। इस जगह का नाम कभी नाथ द्वारा था ही नहीं, नाथ द्वारा का प्राचीन नाम था सिहाड़, लेकिन जब मुगल शासक औरंगजेब था तब औरंगजेब ने उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जतिपुरा, यूपी के अंदर है ये जगह, यहां पर श्री नाथ जी का एक बहुत भव्य मंदिर बना हुआ था। और औरंगजेब ने अपने सैनिकों को कहा था कि भाई जतिपुरा में जो कृष्ण जी की मूर्ति है उसको तोड़ दिया जाए। जब जतिपुरा मंदिर के पुजारियों को पता लगा कि औरंगजेब की सेना मंदिर की मूर्ति तोड़ने आ रही है, तो वहां के पुजारी रामोतार, गोपाल, दामोदर, ये 304 जो पुजारी जी थे, ये उस मूर्ति को उठाते हैं। और मूर्ति को उठा करके पहले तो जाते हैं जोधपुर राज्य के अंदर एक गांव पड़ता कदम खेड़ी, और फिर वहां से मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास आते हैं। और राज सिंह ने इसी सिहाड़ नामक स्थान पर 1669 में एक मंदिर बनाना शुरू किया, और 10 फरवरी 1672 को इस सिहाड़ गांव में एक भव्य मंदिर बनवाकर श्री नाथ जी की मूर्ति की यहां प्राण प्रतिष्ठा करवाई। और जैसे ही यहां पर सिहाड़ में ये श्री नाथ जी का भव्य मंदिर संपन्न हुआ, उसके बाद इसी सिहाड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? नाथ द्वारा कर दिया गया था। तो ये काम मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के काल में हुआ था, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर, वराहा मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर रंगनाथ मंदिर, सावित्री माता का मंदिर और वराहा मंदिर स्थित है? जालरापाटन, ओसिया, किराड़ू, पुष्कर। देखो जालरापाटन नहीं, जालरापाटन यहां सात सहेलियों का मंदिर है, घंटियों का शहर कहते हैं। ओसिया नहीं, ओसिया में सच्याई माता है। हरिहर मंदिर है, सूर्य मंदिर है, और महावीर जी का मंदिर है, ये भी नहीं है। किराड़ू में सोमेश्वर मंदिर है, यहां पर सही उत्तर होगा पुष्कर अजमेर में रंगनाथ जी का बहुत फेमस मंदिर है, जो दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली में बना हुआ है। आपका सावित्री माता का मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर में बना हुआ है, वराहा मंदिर भी है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवल सागर, 84 खंभों की छतरी और रानी जी की बावड़ी स्थित है? नवल सागर, 84 खंभों की छतरी और रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? देखो 84 खंभों की छतरी, ये देवा धाबाई की छतरी है। 84 खंभों की छतरी किसकी छतरी है? 84 खंभों की जो छतरी है ये आपके देवा धाबाई की छतरी है। जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह ने बनवाई थी। रानी जी की बावड़ी, ये लाड कंवर नाथावती, बूंदी की रानी, अनिरुद्ध सिंह की रानी, लाड कंवर नाथावती ने ये बनवाई थी। और नवल सागर 84 खंभों की छतरी और लाड कंवर नाथावती द्वारा निर्मित रानी जी की बावड़ी, ये सब बूंदी के प्रमुख स्थान है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर रतन बिहारी जी का मंदिर, लालगढ़ पैलेस और पार्श्वनाथ जैन मंदिर स्थित है? बताइएगा, लालगढ़ पैलेस, पार्श्वनाथ मंदिर और रतन बिहारी जी का मंदिर कहां पर स्थित है? सिवाना नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जैसलमेर नहीं, जैसलमेर में लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर स्थित है, ध्यान रहे, रतन बिहारी का नहीं है, लक्ष्मीनाथ जी का। जोधपुर में भी नहीं है, बीकानेर बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर रतन सिंह ने रतन बिहारी का मंदिर बनवाया था, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ये जो लालगढ़ पैलेस है, ये लालगढ़ पैलेस बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था, और पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। तो बीकानेर आपका प्राचीन नाम जांगल प्रदेश, करेक्ट आंसर होगा बीकानेर। नेक्स्ट, रणकपुर में स्थित आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रणकपुर जैन मंदिर, मैं सीधा ही लिख देता हूं, रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रणकपुर जैन मंदिर ये निर्माण करवाया था धरणी शाह। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धरणी शाह ने करवाया था। और वास्तुकार का नाम पूछ ले तो वास्तुकार बताओ कौन थे? देवपाल। तो विमल शाह नहीं, विमल शाह ने देलवाड़ा में स्थित विमल वसी मंदिर बनवाया था। तेजपाल और वास्तुपाल, इन्होंने देलवाड़ा में स्थित बीमा शाह मंदिर बनवाया था। तो सेठ धरणी शाह या सेठ धरण शाह ने यह मंदिर बनवाया था। और ये जो आदिनाथ जैन मंदिर है रणकपुर का, इसे स्तंभों का वन कहते हैं। यानी यहां पर इस मंदिर को आप अगर कभी देखेंगे तो इस मंदिर के अंदर 1444 खंबे हैं, इसलिए इस मंदिर को स्तंभों का क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है रणकपुर वाले को। इसी जैन मंदिर को चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है, चौमुखा, क्योंकि यहां जो आदिनाथ जी की मूर्ति लगी है, जो ऋषभ देव जी की मूर्ति लगी है, ये चतुर्मुखी प्रतिमा है, और चतुर्मुखी प्रतिमा होने के कारण इसी को बोला जाता है चौमुखा जैन मंदिर। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को लोक देवता रामदेव जी का मेला भरता है? लोक देवता रामदेव जी का मेला भरता है, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया, श्रावण शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, श्रावण कृष्ण द्वितीया। लोक देवता रामदेव जी का मेला भरता कहाँ है? लोक देवता रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी का जो मेला भरता है, ये दोस्तों आपका भरता है रुणेचा, रुणेचा नाम की जगह कहां पर है? जैसलमेर में। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगाकर एकादशी तक ये मेला भरता है। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक मेला है, हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग बड़ी संख्या में इस मेले में बाबा के दर्शन करने आते हैं। रुणेचा में यह मेला भरता, जिसे रामदेवरापन कहते हैं, रामदेवरा रुणेचा के अंदर बाबा का जन्म उंडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था, जबकि यहां पर मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक भरता है। यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन जो रिपीट है मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको मान के चलना है कि मैं कक्षा 2 की किताब आपको पढ़ा रहा हूँ, 9 की किताब में अगर कोई 2 बार लिखा हुआ है इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो अपने रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी दिमाग में सेव कर ले कि खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था? रूपवास में लड़ा गया था, रूपवास के निकट जगह खानवा भरतपुर में लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था? राणा सांगा वसेज बाबर के मध्य लड़ा गया था। फाइनल नतीजा किसके पक्ष में गया था? बाबर के पक्ष में गया था। इस युद्ध को जीता किसने था? बाबर ने जीता था, ध्यान रखना। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को किसके द्वारा जीता गया था? बाबर के द्वारा जीता गया था। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता काफिरों का नाशक। तो 17 मार्च 1527 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, गोयनका की हवेली तथा लाडियों की हवेली निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बताइएगा, देखे आपके गोयनका की हवेली तथा लाडियों की हवेली निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सबसे पहले चिड़ावा, चिड़ावा झुंझुनू के एक जगह है, पेड़ों के लिए प्रसिद्ध। पेड़े कहाँ के फेमस है? चिड़ावा के, नारसिंह के पेड़े, लालचंद हलवाई के पेड़े, पेड़ों के लिए चिड़ावा जाना जाता है। यहाँ बागड़िया हवेली है, गोयनका हवेली और लाडियों की हवेली नहीं है। मैनसर, मैनसर नवलगढ़ के पास स्थित एक जगह है, सेकावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं।
नवलसर और मैनसर, जो नवलगढ़ और जो मैनसर है, इसको अपन सेकावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं और यहाँ सोने चांदी की हवेली है। बग्गड़ झुंझुनू में है नहीं, मंडावा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मंडावा नाम की जगह बी बताओ कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संस्कृत के प्रख्यात कवि माग ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहां पर की थी, बेनमाल सिवाना मंडोर मंडावा। जो 2021 वाला आरएस प्रीता 27 अक्टूबर 2021 का, उसमें इस क्वेश्चन को घुमा करके उल्टा पूछा था। 2021 वाले आरएस परी में पूछा था कि ब्रह्मगुप्त वे महाकवि माग जैसे विद्वानों का संबंध किस स्थान से है, और फिर ये चारों विकल्प थे, बीनमाल सिवाना मंडोर मंडावा, यही विकल्प थे। और उनमें प्रश्न था कि ब्रह्मगुप्त एवं महाकवि माग जैसे प्रख्यात विद्वानों का संबंध किस स्थान से है, और यहां क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदला गया है। यहां पूछा गया कि शिशुपाल वध की रचना कहां पर की थी, जहां रहते वहीं रचना करेंगे, तो सीधी सी बात है, एक तो महाकवि माग, महाकवि माग इनका प्रमुख ग्रंथ है शिशुपाल वध, शिशुपाल वध। और ये जो महाकवि माग है, इनको राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं, राजस्थान का वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि हरि सिंह सांकला है, कलयुग का वाल्मीकि हरि सिंह सांकला। जैसा मैंने बताया था, कलयुग का कर्ण राव लुणकर्ण और राजस्थान का कर्ण राय सिंह, वैसे ही राजस्थान का वाल्मीकि महाकवि माग और कलयुग का वाल्मीकि हरि सिंह सांकला। तो महाकवि माग का संबंध बेनमाल से है, और एक बेनमाल से संबंध रखते हैं ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। ब्रह्मगुप्त और महाकवि माग दोनों बेनमाल से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला अध्याय तीन, अध्याय तीन शुरू हो गया कक्षा नौ की किताब का, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति की जो यूनिट है वो शुरू हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मंडन द्वारा रचित नहीं है, मंडन ने कौन सी बुक नहीं लिखी थी, ये अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता रहे कि मंडन है कौन, मंडन राणा कुंभा का दरबारी शिल्पी है, राणा कुंभा के शिल्पी का नाम है, राणा कुंभा के दरबार में रहते थे, शिल्पी मतलब वास्तुकार थे, और कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार भी रह चुके हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो नक्शा तैयार किया था वो मंडन के द्वारा किया गया था, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो विजय स्तंभ है उसका वास्तुकार था जेता। अब मंडन ने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा है, देव मूर्ति प्रकरण बिल्कुल लिखा है, मूर्ति कला की विस्तृत जानकारी देता है, राजवल्लभ बिल्कुल लिखा है, राजवल्लभ मंडन ने लिखा है, महल मालियों के निर्माण की जानकारी देता है, रूप मंडन कोदून मंडन शकुन मंडन, रूप मंडन कोदून मंडन शकुन मंडन राजवल्लभ मंडन, आपका देव मूर्ति प्रकरण, ये मंडन की रचनाएं हैं, वास्तु मंडन मंडन की रचना नहीं है, उत्तर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है, या एक साइड कुछ बुक्स लिखी गई है, सामने उनके राइटर्स के नाम है, कौन सा जोड़ा मैच नहीं कर रहा है, पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट, बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट ने लिखा था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हरि विजय जय देव, हरि विजय जय देव ने लिखा था, बिल्कुल सही बात है, हरिभूषण गंगाराम भट्ट, बिल्कुल सही है, हरिभूषण गंगाराम भट्ट ने लिखा था, आनंद विलास अनूप सिंह, नहीं 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 गलती हो गई, गलती हो गई, आनंद विलास ये जसवंत सिंह जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की रचना है, महाराजा जसवंत सिंह और कहां के राजा थे, जोधपुर के राजा थे, इनकी प्रमुख रचना है आनंद विलास। आनंद विलास के अलावा बासा भूषण, आनंद विलास और बासा भूषण, ये दोनों रचनाएं जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की। अनूप सिंह मैंने अभी अभी बताया था, अनूप सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं काम प्रबोध, इसके अलावा श्राद्ध प्रयोग, श्राद्ध चिंतामणि, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये आनंद विलास जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह की रचना है, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ चारण शैली का साहित्यिक ग्रंथ नहीं है, देखो राजस्थानी साहित्य को अलग अलग, चारण साहित्य, जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, डिंगल यानी चारण साहित्य, पिंगल यानी भाट साहित्य, अलग अलग ग्रुप के अंदर राजस्थानी साहित्य को बांट रखा है। और पिछला जो आरएस मेंस था, आरएस मेंस,
उसमें चारण साहित्य का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, चारण साहित्य पर प्रकाश डालना था। तो अपने को कम से कम अगर 5-10 रचनाएं याद हो चारण साहित्य की, तो मेंस की कॉपी में कुछ तो लिखेंगे, नहीं तो खाली छोड़ के आना पड़ेगा कि लिपुचा क्या है। इसलिए चारण साहित्य की कौन सी रचना नहीं है, वीर भायण, वीर भायण, वीर भायण बिल्कुल सही रचना है, चारण साहित्य की रचना है। अचलदास खिचड़ी वचनी का बिल्कुल सही है, इस साल आरएसपरी 2023 वाले आरएसपरी का प्रश्न है कि अचलदास खिचड़ी वचनी का किसने लिखा था, तो ये अचलदास खिचड़ी वचनी का शिवदास गार्डन ने लिखा था। किसने लिखा था? शिवदास गार्डन ने लिखा था, ध्यान रखना। वेली किशन रुक्मणी ये भी है, बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। पृथ्वीराज राठौड़, वेली मतलब शादी, किशन मतलब कृष्ण, रुक्मणी मतलब रुक्मणी, री मतलब का या की, यानी भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? वेली किशन रुक्मणी री, जिसको दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। कर्नल टोड ने इस ग्रंथ को 10,000 घोड़ों का बल कहा है। टोड कह रहा है कि अगर इस किताब को कोई पढ़ ले तो उतनी ताकत आ जाए जितनी 10,000 घोड़ों के अंदर ताकत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये टोड कह रहा है। और इसी रचना के कारण एलपी टेसिटोरी ने डिंगल का हीरो, डिंगल का हेरोन्स भी कहा था पृथ्वीराज राठौड़ को। देसी नामा, देसी नाम माला, ये जैन साहित्य से संबंधित रचना है, चारण साहित्य से संबंधित रचना नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, फड़ मतलब कपड़े के ऊपर देवी देवता महापुरुष एवं इतिहास की प्रसिद्ध घटनाओं को सचित्र वर्णन करना फड़ कहलाता है। यानी अपने नॉर्मली अपन बोल सकते हैं कि देवी देवताओं की जीवनी चित्रों सहित अगर कपड़े पर लिख करके पढ़ी जाए तो उसको बोलते हैं फड़ चित्रण। फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला? नहीं, खंडेला किस लिए फेमस है? खंडेला एक तो गोटा उद्योग के लिए फेमस है, ध्यान रहे, और गोटा उद्योग के अलावा कपड़े पर मोम लगाने का काम होता है जिसको बोलते हैं बातिक कार्य। इस बातिक कार्य के लिए खंडेला सिक्कर फेमस है। मोलेला? नहीं, मृदा शिल्प, मिट्टी के काम के लिए मोलेला फेमस है। राजसमंद में गांव पड़ता मोलेला, मृदा शिल्प टेराकोटा। ये टेराकोटा का प्रश्न भी आरएस मेंस में आ चुका है, टेराकोटा। बस्सी? नहीं, बस्सी लकड़ी के काम के लिए फेमस है, कास्ट कला के लिए फेमस है, लकड़ी के लिए फेमस है। चित्तौड़गढ़ में जगह पड़ती है बस्सी। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा में था, अब खुद जिला बन गया है, फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। और शाहपुरा में जोशी परिवार, कौन सा फैमिली? जोशी परिवार। ये फड़ चित्रण के अंदर दक्ष से, ध्यान रखना, जोशी परिवार ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गिरी श्रेणी में नहीं आता? देखो दुर्ग कई टाइप के हैं, दुर्गों का सबसे पहले वर्गीकरण आचार्य मनु ने मनुस्मृति में किया था, जहां दुर्गों के 6 टाइप बताए थे। फिर कौटिल्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में वर्गीकरण करते हुए दुर्गों के टोटल आपके 4 प्रकार बताए थे, और आचार्य शुक्र ने दुर्गों के 9 प्रकार बताए, जिसमें गिरी, एरण, वन, दानवन, पारिक, परिद, सैन्य, सहाय, जल, ये टोटल 9 दुर्ग होते। गिरी पहाड़ियों पर बने हुए, एरण जहां तक पहुंचने का रास्ता कठिन हो, वन घने जंगलों में बने हुए, जल नदियों के संगम पर बने हुए, पारिक चारों तरफ खाई हो, परिद चारों तरफ दीवार हो, सहाय लिविंग फोर्ट, और सैन्य फोर्ट अपन जानते ही है। कौन सा दुर्ग गिरी श्रेणी में नहीं आता? कुंभलगढ़ दुर्ग बिल्कुल गिरी श्रेणी में आता, पहाड़ियों पर बने किले आपके गिरी होंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग हेमकुट पर्वत की जरगा पहाड़ी पर स्थित है, हेमकुट पर्वत, और इस हेमकुट पर्वत की जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है, और अगर पहाड़ी पर है तो फिर स्वाभाविक सी बात है गिरी का किला कहलाएगा। तारागढ़ दुर्ग बिल्कुल, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, ये बीटली पहाड़ी पर है, बीटली पहाड़ी पर, और बीटली पहाड़ी पर है तो बताओ कौन सा कहलाएगा? गिरी कहलाएगा। जयगढ़ दुर्ग बिल्कुल है, जयपुर का जयगढ़ दुर्ग ईगल पहाड़ी पर है, और ईगल पहाड़ी पर होने के कारण ही इस दुर्ग को चील का टीला कहते हैं, चील का टीला कहते हैं। तो फिर कौन सा दुर्ग गिरी कैटेगरी में नहीं आएगा? गागरोन का दुर्ग नहीं आएगा। ये किस कैटेगरी में आएगा? सर जल दुर्ग में आएगा, क्योंकि ये काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर, और जो दुर्ग नदियों के संगम पर होते हैं वो जल दुर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है, अनमैच्ड पेयर कौन सा है, ये अपने को छांटना है। एक तरफ महल और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन अवस्थिति लिखी गई है, स्थिति लिखी गई है, कौन सा महल कहां नहीं है, ये अपने को छांटना है। जगनिवास महल उदयपुर, फूल महल जोधपुर,
रंग महल बीकानेर, अनूप महल कोटा, कौन सा युग्म असुमेलित है? देखो जग निवास महल उदयपुर, ये तो बिल्कुल सही है, जग निवास महल उदयपुर सही है, पिछोला जेल के बीच में बना हुआ है, पिछोला जेल के बीच में बना हुआ है। फूल महल जोधपुर बिल्कुल सही है, फूल महल जोधपुर में। रंग महल बीकानेर बिल्कुल सही है, अनूप महल कोटा ये गलत है, अनूप महल बीकानेर में है, और अनूप महल बीकानेर में है, और यहां बीकानेर राजाओं का राज्य अभिषेक गोदारा जाति द्वारा किया जाता था। बीकानेर राजाओं का राज्य अभिषेक कौन सी जाति के द्वारा किया जाता था? गोदारा जाति के द्वारा किया जाता था। अतः आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? डी, अनूप महल बीकानेर में होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर बाडोली, मथुरेश जी मंदिर कोटा, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। बताइए कौन सा जोड़ा मैच नहीं खा रहा है? एक तरफ मंदिर है, सामने उनकी अवस्थिति है, कौन सा जोड़ा मैच नहीं खा रहा है? जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, ये तो मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि जगत शिरोमणि मंदिर आमेर के अंदर है, भगवान कृष्ण जी का मंदिर है, और आपके मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने बनवाया था। गोविंद देव जी मंदिर बिल्कुल जयपुर के अंदर है, सवाई जयसिंह जी ने बनवाया था, बहुत फेमस मंदिर है गोविंद देव जी का मंदिर, जयपुर के राजाओं के अधिपति देव थे, 1735 में इस मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। गोविंद देव जी मंदिर गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है, गोविंद देव जी मंदिर। मथुरेश जी मंदिर कोटा बिल्कुल सही है, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है मथुरेश जी मंदिर कोटा। द्वारिकाधीश मंदिर बाडोली गलत है, द्वारिकाधीश का मंदिर तो कांकरोली में है, कांकरोली तो कहां पर है, राजसमंद में है, और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा बनवाया गया था। कांकरोली राजसमंद में है द्वारिकाधीश का मंदिर, तो अनमैच्ड जोड़ा आपका यहां पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग में असुमेलित है? फिर असुमेलित युगम का प्रश्न आया है, एक तरफ क्षत्रिया है और सामने आपके स्थिति है। क्षत्रिय मतलब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद नॉर्मली उसकी स्मृति में कोई स्मारक वगैरह बनाया जाए तो उसे क्षत्रिय या देवल कहते हैं। तो कौन सी क्षत्रिय किस राज परिवार से संबंधित है, कहां है, और कौन सा जोड़ा असंगत है, वो अपने को छांटना है। गेटोर की क्षत्रिया ये जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल है, बिल्कुल सही है। गेटोर की छत्रियां सवाई जयसिंह के बाद आने वाले सभी राजाओं की छत्रियां यहीं पर बनी हुई है गेटोर में। एक ईश्वरी सिंह की छत्री गेटोर में नहीं, बाकी सबकी यहीं पर बनी हुई जयपुर के राजाओं की। ईश्वरी सिंह की छत्री जयपुर के अंदर सिटी पैलेस के अंदर बनी हुई है, ठीक है। जसवंत थड़ा जोधपुर, बिल्कुल सही बात है, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह सेकेंड का स्मारक है जो उनके बेटे सरदार सिंह ने बनवाया था, और ये जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। जसवंत थड़ा जोधपुर को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, सफेद संगमरमर से बना हुआ एक बहुत सुंदर स्मारक है जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकेंड का स्मारक है, उनके बेटे सरदार सिंह ने बनवाया था। छत्रविलास बाग बीकानेर और बड़ा बाग जैसलमेर, बड़ा बाग जैसलमेर ये बिल्कुल सही है, छत्रविलास बाग बीकानेर ये गलत है। छत्रविलास बाग बीकानेर नहीं, बीकानेर वालों का जो छत्रिया है वो है देवी कुंड, कौन सा? देवी कुंड। केसर विलास है, छत्र विलास नहीं है, केसर विलास बूंदी वालों की है, और सार विलास कोटा वालों की है। तो बीकानेर वालों की जो छत्रियां हैं वो देवी कुंड की छत्रियां, कौन सी छत्रियां हैं? बीकानेर रॉयल फैमिली का जो साई शमशान घाट है वो है देवी कुंड की छत्रियां। अतः ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी चित्र शैलियों की जनक शैली कहा जाता है? राजस्थानी चित्र शैली की जनक शैली कहा जाता है किसे? कोटा नहीं, कोटा जनक का मतलब सबसे पुरानी चित्रशैली किसको कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी चित्र शैलियों की जनक शैली कहा जाता है? मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, कोटा शैली। कोटा नहीं, कोटा शैली को शिकार की चित्र शैली कहा जाता है। किसकी शैली कहते हैं? शिकार की चित्र शैली कहा जाता है, ध्यान रखना। ढूंढाड़ शैली नहीं, ये आदमकद वे पोर्ट्रेट चित्र, यानी बड़े चित्र बनाने के लिए आदमकद वे पोर्ट्रेट, पोट्री वाले पोर्ट्रेट चित्रों के लिए विख्यात जो शैली है वो है आपकी जयपुर शैली। मारवाड़
प्रेम आख्यानों के लिए फेमस, प्रेम कथाओं के सबसे ज्यादा चित्र अगर कहीं बने हैं तो मारवाड़ में है। यहां पर सही उत्तर होगा मेवाड़ शैली सबसे प्राचीन चित्र शैली है, इसलिए इसे सभी चित्र शैलियों की जननी कहा जाता। सबसे प्राचीन चित्र शैली होने के कारण इसे सभी चित्र शैलियों की बताओ क्या कहा जाता है, जननी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित नहीं है? मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित नहीं है। मेवाड़ के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? मनोहर, बिल्कुल है मनोहर है, मनोहर ने मेवाड़ में रामायण का चित्रण किया है, मेवाड़ रामायण का चित्रण किया है, बिल्कुल सही बात है, रामायण का चित्रण किया है। गंगाराम बिल्कुल है, कृपाराम है, कालूराम, कालू राम ये बीकानेर से संबंधित है, मेवाड़ से संबंधित नहीं है। बाकी इधर कृपाराम के अलावा बेराराम भी है, बेराराम भी है, बेराराम के अलावा साहबुद्दीन भी है, साहबुद्दीन ये भी यहाँ पर है, साहबुद्दीन के अलावा आपका जो 1260 ईस्वी वाले चित्रकार है कमलचंद्र, वो भी यहाँ पर फेमस चित्रकार है, कमलचंद्र। जीवा मेवाड़ का प्रमुख चित्रकार है, उमरा ये भी मेवाड़ का चित्रकार है, जगन्नाथ ये भी मेवाड़ का चित्रकार है। तो जीवा, उमरा, जगन्नाथ, कमलचंद्र, साहबुद्दीन, बेराराम, कृपाराम, मनोहर, गंगाराम ये सब मेवाड़ में है, लेकिन कालूराम ये मेवाड़ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मारवाड़ शैली से संबंधित है? कौन सा चित्रकार मारवाड़ शैली से संबंधित है? देखो अब उल्टा पूछा, मारवाड़ शैली से संबंधित कौन है? तो साहिबुद्दीन, साहिबुद्दीन नहीं है, साहिबुद्दीन मैंने अभी आपको बताया था ये मेवाड़ शैली से संबंधित चित्रकार है, किससे संबंधित है? मेवाड़ से। कृपाराम अभी अभी बताया है मेवाड़ से संबंधित है, मनोहर अभी अभी बताया है किससे संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर होगा छज्जू बाटी, छज्जू बाटी, नारायण दास बाटी, छज्जू बाटी। देखो एक तो याद रखो रामा रामा, नाथा नाथा, छज्जू सेपू, छज्जू बाटी सेपू बाटी, नारायण दास बाटी, नारायण दास बाटी, ये जितने भी मैंने चित्रकार लिखे हैं, वीरजी वीरजी, ये सब चित्रकार बताओ किससे संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है। तो छज्जू बाटी जोधपुर, जोधपुर का मतलब मारवाड़, आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में विशुद्ध बीकानेर चित्र शैली का विकास हुआ? विशुद्ध बीकानेर चित्र शैली यानी बिल्कुल प्योरली बीकानेर शैली का विकास हुआ था। महाराजा अनूप सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा करण सिंह, महाराजा दलपत सिंह। देखो करण सिंह और दलपत सिंह से आपको कोई लेना देना नहीं है, महाराजा राय सिंह के काल में बीकानेर शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था, बीकानेर शैली का विकास प्रारंभ हुआ था, विकास प्रारंभ। लेकिन विशुद्ध रूप से विशुद्ध बीकानेर चित्र शैली बिल्कुल जिसमें, क्योंकि राय सिंह ने चित्र शैली शुरू तो कर दी बीकानेर में, लेकिन उसके ऊपर बाहर की शैलियों का प्रभाव पड़ा हुआ था। राय सिंह के काल में बीकानेर चित्र शैली MDP यानी मुगल मुगल दक्कन और पंजाबी, इन तीन शैलियों के प्रभाव में थी, मुगल दक्कन और पंजाबी। लेकिन प्योरली बीकानेर वालों ने अपनी स्टाइल में चित्र जिसके काल में बनाए थे वो राजा बताओ कौन था? अनूप सिंह। यानी मेरे कहने का मतलब है बीकानेर शैली राय सिंह के काल में शुरू हो गई थी, लेकिन उस समय ये प्योरली बीकानेर वाले अपने खुद के चित्र नहीं बना रहे थे, ये मुगलों से प्रभावित थी, पंजाबियों से प्रभावित थी, दक्कन शैली से प्रभावित थी। बीकानेर वालों ने अपनी विचारधारा के चित्र किसके काल में बनाए थे? अनूप सिंह के काल में बनाए थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बड़ी ठणी का चित्र चित्रित किया था? किसने किया था बताओ? दके कालूराम नहीं, अमरदास नहीं, किशनदास नहीं, बड़ी ठणी का चित्र किसने बनाया था? निहाल चंद ने बनाया था। ऑप्शन डी, बड़ी ठणी किशनगढ़ शैली की विषय वस्तु है। बड़ी ठणी किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बड़ी ठणी का मूल नाम रसिक बिहारी था, मूल नाम बताओ क्या था? रसिक बिहारी था। और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय, इस बड़ी ठणी को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो बड़ी ठणी को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है फैयाज अली को, ध्यान रखना, किसको जाता है? फैयाज अली। और एरिथ डिक्सन ने बड़ी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा है, ध्यान रहे, एरिथ डिक्सन
एरिथ डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। बनी ठनी का जो चित्र है इसको भारत की मोनालिसा कहा है, क्योंकि मोनालिसा इटली की एक पेंटिंग है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है मोनालिसा, जिसका चित्र लियोनार्डो दा विची ने बनाया था। और भारत की मोनालिसा बनी ठनी के चित्र को कहा है, एरिथ डिक्सन के द्वारा कहा गया है। यह चित्र बनाने वाला चित्रकार बताओ कौन था? निहाल चंद। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रशैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा है? यह पिछली बार सेकंड ग्रेड में एज इट इज पूछ लिया गया था, सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम था उसमें सीधा प्रश्न पूछा था द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, कि राजस्थान की किस शैली पर सबसे ज्यादा मुगलों का प्रभाव पड़ा है। मुगलों का प्रभाव ज्यादा वहीं होगा जो मुगलों के सबसे ज्यादा करीब होंगे, क्योंकि मैं आपके साथ ज्यादा बैठूंगा तो मेरा प्रभाव वहां पर पड़ेगा, आपका मेरे पर पड़ेगा, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलेगा, तो जिसे ज्यादा कनेक्टिविटी होगी उसी के ऊपर ज्यादा प्रभाव आएगा। अलवर शैली नहीं, अलवर शैली पर ध्यान रखना, सर्वाधिक यूरोपीय प्रभाव पूछा जाता आपसे कि राजस्थान की किस चित्रशैली पर सर्वाधिक यूरोपीय प्रभाव पड़ा, तो सर्वाधिक यूरोपीय प्रभाव के मामले में आप बताते कि सर्वाधिक यूरोपीय प्रभाव आपका अलवर शैली के ऊपर पड़ा है। बीकानेर शैली पर अगर आपसे पूछा जाता कि पंजाबी प्रभाव सबसे ज्यादा किसके ऊपर है, तो पंजाबी प्रभाव बीकानेर के ऊपर था। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव किस शैली पर है, तो अपन बताएंगे सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव जयपुर शैली पर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चित्र शैली की पशु पक्षियों की शैली किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस चित्र शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली कहा जाता है? कोटा शैली, बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली। बताइएगा किस शैली को पशु पक्षियों की शैली कहा गया है? किशनगढ़ शैली को तो नहीं कहते हैं, नारी सौंदर्य की शैली है। नारी सौंदर्य के लिए कौन सी शैली जानी जाती है? किशनगढ़ शैली जानी जाती है। नाथद्वारा कृष्ण भक्ति वाली शैली है, कृष्ण भक्ति की शैली कौन सी है? नाथद्वारा है। कोटा शैली, इसे शिकार की शैली कहा जाता है, शिकार की चित्र शैली कहा जाता है। तो फिर पशु पक्षियों की चित्र शैली बताओ किसे कहा जाता है? बूंदी शैली को कहा जाता है। यहां पर देखो, मैं दो बातें आपके और क्लियर करना चाहता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान में चित्रकला का आरंभिक केंद्र कौन सा क्षेत्र माना जाता है? आरंभिक केंद्र माना जाता है। देखो दोनों क्वेश्चनों में गलती मत करना। राजस्थान में चित्रकला का आरंभिक केंद्र माना जाता है। ऑप्शन ए में आएगा मेवाड़, ऑप्शन बी में आएगा बूंदी, ऑप्शन सी में आएगा मारवाड़ और ऑप्शन डी में आएगा कोटा। ऑप्शन डी में क्या आएगा? कोटा, सॉरी मैं लिख देता हूं ढूंढाड़िया जयपुर, जयपुर ये लोग गए। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र माना जाता है। ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी आपका मारवाड़ और ऑप्शन डी आपका जयपुर। इन दोनों क्वेश्चनों को रट लेना, याद रखना, और दोनों में गलती मत करना। सबसे पहले राजस्थान में चित्रकला का आरंभिक केंद्र माना जाता है। पूरी दुनिया को पता है कि राजस्थान में चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र, चित्रकला का उद्भव मेवाड़ है। इसीलिए तो अभी थोड़ी देर पहले अपने क्वेश्चन सॉल्व आउट करते समय लिखा था कि चित्र शैलियों की जननी किसको कहते हैं? मेवाड़ को कहते हैं। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक केंद्र बताओ, राजस्थान में चित्रकला का आरंभिक केंद्र कौन सा? मेवाड़। अब यहां पर देखो, राजस्थानी विचारधारा, मेवाड़ में जो चित्रकला शुरू तो हुई थी सबसे पहले, लेकिन वो गुजराती विचारधारा की चित्र शैली थी, गुजराती अपभ्रंश से। राजस्थानी विचारधारा
की चित्रकला का आरंभिक केंद्र, यानी प्योरली राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला कहां से शुरू हुई थी? उत्तर होगा बूंदी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ध्यान रखना, दोनों में शब्द शब्द का फर्क है। देखो, राजस्थान में चित्रकला का आरंभिक केंद्र है, उत्तर होगा मेवाड़। यानी राजस्थान में सबसे पहले चित्रशैली किस स्थान से शुरू हुई? मेवाड़ से हुई थी। राजस्थानी विचारधारा मेवाड़ में सबसे पहले चित्र बने, लेकिन वो गुजराती विचारधारा के चित्र थे। राजस्थानी विचारधारा के चित्र सबसे पहले कहां बने थे? उत्तर बताओ क्या होगा? बूंदी। रट लेना, मैं पहले बता रहा हूं, फिर मुझे मत कहना कि सर गलती हो गई, मैंने लिख करके मेरा फर्ज पूरा कर दिया है। दोनों को रट लेना, 95 में भी उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली में महिलाओं को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? यानी ऐसी कौन सी शैली है जहां महिलाओं को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? कोटा शैली, मारवाड़ शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली। देखो, शिकार से संबंधित तीन बातें याद रखो, शिकार से संबंधित। एक तो आपसे पूछ ले कि शिकार के चित्र प्रतिबंधित कहां है, प्रतिबंधित, तो उत्तर होगा उनियारा शैली के अंदर। उनियारा कहां पर है? टोंक के अंदर है। यहां पर शिकार के चित्रों को पूर्ण रूप से बैन किया गया, प्रतिबंधित किया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि शिकार के चित्रों पर त्रिविमीय प्रभाव कहां पर है, त्रिविमीय प्रभाव यानी 3D इफेक्ट कहां है, तो आप बताएंगे उत्तर होगा मेवाड़, मेवाड़। और आपसे पूछ ले कि शिकार के सबसे ज्यादा चित्र कहां पर बने हुए हैं, यानी शिकार की शैली कौन सी है, तो शिकार की शैली है कोटा, कोटा। ये तीनों बातें याद रखना कि शिकार की शैली, शिकार के सबसे ज्यादा चित्र कहां, कोटा में है, इसलिए शिकार की शैली कहते हैं। किस चित्र शैली में शिकार के चित्रों पर 3D इफेक्ट दिखाई देता है? मेवाड़ में। राजस्थान की एकमात्र वह शैली जहां शिकार के चित्र पूर्ण रूप से प्रतिबंधित थे, कौन सा उत्तर होगा? उनियारा शैली होगा। तो महिलाओं को शिकार करते हुए चित्रित कौन सी शैली में किया गया है? कोटा में किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान के ऊपर है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। कोटा में नहीं है, कोटा के अंदर माधो सिंह शोध संस्थान है, मानसिंह नहीं है। कोटा में किसके नाम पर बना हुआ है? माधो सिंह के नाम पर बना हुआ है। आपका उदयपुर में नहीं है, जयपुर में जाबरमल शोध संस्थान है, जाबरमल शोध संस्थान है। आपका सही उत्तर होगा जोधपुर, जोधपुर के राजा मानसिंह जी के नाम पर बना हुआ है, मानसिंह के नाम पर, तो उत्तर होगा जोधपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में तीज की सवारी निम्नलिखित में से किस स्थान की फेमस है? तीज की सवारी। देखो, यहां पर दो चीजें याद रखो, एक तो हनुमानगढ़, एक सिक्कर, एक जयपुर, एक दौसा। देखो, एक तो है छोटी तीज, छोटी तीज, छोटी तीज आती है सावन शुक्ल तृतीया, सावन शुक्ल तृतीया, और एक गणगौर, गणगौर, गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, और एक आती है बड़ी तीज जिसे आप बोलते हो सातुड़ी तीज, जिसे आप बोलते हो कजली तीज, जिसे आप बोलते हो बुढ़ी तीज। ये जितनी भी नाम की तीज है, ये सब आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज, सातुड़ी तीज मनाई जाती है। इसकी सवारी तो फेमस है बूंदी की, और छोटी तीज और गणगौर इनकी सवारी कहां की फेमस है? जयपुर की। अपने तो गीत गाया जाता है कि जाऊं ली जयपुर ये देखूं ली गणगौर, मैं तो जाऊं ली जयपुर ये देखूं ली गणगौर, जे ने जोयो जयपुरियो तो जग में आके के करियो। यानी जयपुरिया अगर आपने नहीं देखा, वहां तीज की सवारी नहीं देखी, तो जग में आके के करियो, तो इस दुनिया में आकर के कुछ नहीं किया। यानी तीज और गणगौर दोनों जयपुर के फेमस है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी का मतलब क्या होगा? जयपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है, अनमैच्ड जोड़ा कौन सा, ये अपने को छांटना है। एक साइड त्योहार लिखे हुए हैं, सामने उनके तिथि लिखी गई है। गणगौर, गणगौर के आगे लिखा हुआ चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया, रक्षाबंधन श्रावण अमावस्या, जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। अनमैच्ड जोड़ा कौन सा है, ये अपने को छांटना है। देखो, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी 100% सही बात है, भगवान गणेश जी का हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिवस है गणेश चतुर्थी।
जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी बिल्कुल 100% सही बात है, कृष्णाष्टमी बोल दो जन्माष्टमी बोल दो। गणगौर पूरे चैत्र में चलती है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलती है। रक्षाबंधन श्रावण अमावस्या को नहीं आता है, रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा को आता है, सावन पूर्णिमा को आता है। सावन की अमावस्या जो है इस दिन तो हरियाली अमावस्या मनाई जाती है, सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है, ध्यान रहे हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। अतः आपका सही अनमैच्ड पेयर बताओ कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा, रक्षाबंधन श्रावण अमावस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है, एक तरफ त्योहार है सामने उनकी तिथियां लिखी गई है, असंगत छांटना है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया, दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी, राम नवमी चैत्र शुक्ल नवमी, मुहर्रम सवाल माह की 10 तारीख, बताइएगा कौन सा होगा। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को है, बिल्कुल सही है। दशहरा जिसे विजय दशमी बोलते हैं ये आश्विन शुक्ल दशमी, बिल्कुल सही है। रामनवमी प्रभु श्री राम जी का हैप्पी बर्थडे चैत्र शुक्ल नवमी को सही है। मुहर्रम सवाल माह में कहां आएगा, सवाल माह में कहां आएगा, सवाल माह के अंदर तो ईद आती है, सवाल माह में तो क्या आती है, ईद। मुहर्रम का त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाएगा, मुहर्रम के महीने में मनाया जाएगा। भाई मुस्लिम धर्म का जो हिजरी संवत कैलेंडर है उसका पहला ही महीना है मुहर्रम और 12वां महीना है जिलहिज। मुहर्रम के महीने में मुहर्रम का त्यौहार मनाते हैं जिस पर ताजिए निकाले जाते हैं, जो करबला के मैदान में दफन किए जाते हैं, ताजिए यानी वो जो सवारी निकाली जाती है जिसमें ताशा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, डकडक डकडक जो ढोल बजाया जाता है ताशा, ताजिए की सवारी ये मुहर्रम के महीने में निकाली जाती है जो हिजरी संवत का पहला महीना होता है। तो अनमैच पेयर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंगत है, असंगत छांटना है, या एक साइड कुछ मेले लिखे गए हैं और सामने उनका स्थान लिखा गया है। गलता जी का मेला जयपुर, बिल्कुल सही है गलता जी। गलता जी को मंकी वैली कहते हैं, मंकी वैली का मतलब बंदरों की बताओ क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। आप कभी गलता जी जाएंगे तो रास्ते में काले मुख के बंदर ही बंदर मिलेंगे, इसलिए मंकी वैली बंदरों की घाटी। रामदेव जी का मेला रुणेचा, बिल्कुल सही लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक मेला। फुलडोल मेला शाहपुरा, याद रखना होली के बाद लगता है और चैत्र मास में लगता है, चैत्र मास में। जम्बेश्वर जी का मेला ददरेवा, नहीं ददरेवा गोगा जी का जन्म स्थान है, गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा। जम्बेश्वर भगवान का मेला मुकाम तालवा, विष्णोई संप्रदाय का प्रमुख मेला मुकाम तालवा में लगता है। मुकाम तालवा मतलब बताओ कहां पर, बीकानेर में लगता है। तो असंगत जोड़ा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका असंगत जोड़ा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक कलाकार लोक नाट्य रम्मत से संबंधित नहीं है, लोक नाट्य रम्मत, रम्मत से संबंधित नहीं है, यानी यहां पर कुछ कलाकार लिखे गए हैं उनमें से कौन सा कलाकार रम्मत से संबंधित नहीं है। मनीराम व्यास, तेज कवि, लच्छीराम, फागू जी महाराज। रम्मत यानी समाज में प्रचलित बुराइयों पर खेल के माध्यम से व्यंग्य करना रम्मत कहलाता है, और ये जो रम्मत है एक लोक नाट्य है, रम्मत एक नाट्य है। इस नाट्य का उद्गम ध्यान रखना जैसलमेर से वाता, रम्मत लोक नाट्य का उद्गम जैसलमेर से वाता, और रम्मत लोक नाट्य के जो खिलाड़ी होते हैं ध्यान रखना रम्मत लोक नाट्य के खिलाड़ियों को क्या बोला जाता है, खेलार, क्या बोला जाता है, खेलार या हलकार अपन बोल देते हैं। तो रम्मत लोक नाट्य से संबंधित कौन नहीं है, मनीराम व्यास बिल्कुल रम्मत से संबंधित है, बीकानेर क्षेत्र की रम्मतों से संबंधित है, बीकानेर से संबंधित है। तेज कवि बिल्कुल सही है, जैसलमेर, जैसलमेर के हैं तेज कवि, और इन्होंने रम्मत लिखी थी स्वतंत्र बावनी, याद हो आपको तो स्वतंत्र बावनी रम्मत 1943 में लिख करके ये रम्मत गांधी जी को भेंट की थी, और जब ये बुक लिखी थी इन्होंने स्वतंत्र बावनी तब इनका गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया था तेज कवि का, तब तेज कवि कमिश्नर के घर पर जाकर दरवाजे पर लात मारते हुए स्टेटमेंट देते हैं कि एक कमिश्नर खोल दरवाजा, मुझे भी जेल जाना है,
गोविंद ना तेरा है ना तेरे बाप का है, हमारी जमीन पर लगाया तुमने बंदी खाना है। ये स्टेटमेंट बताओ किसने दिया था? तेज कवि ने दिया था, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र बावनी रम्मत लिखने के कारण उनको गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। तब कहा था कि एक कमिश्नर खोल दरवाजा, मुझे भी जेल जाना है। हिंद ना तेरा है ना तेरे बाप का है, हमारी जमीन पर लगाया तुमने बंदी खाना है। तो ये तो संबंधित है फागू महाराज, ये भी संबंधित है बीकानेर से संबंधित है फागू महाराज। लच्छी राम जी संबंधित नहीं है, लच्छी राम जी जो है ये कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं, ध्यान रखना। बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी लोक नाट्य की शुरुआत किस त्यौहार के पश्चात होती है? गौरी नाट्य की शुरुआत किस त्यौहार के पश्चात होती है? गणगौर, दशहरा, होली, रक्षाबंधन। फटाफट से बताइए। गौरी लोक नाट्य ये भील जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से, और एक दिन का नहीं है, ये नृत्य 40 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 40 दिन तक। भाद्रपद महीना प्रारंभ होते ही ये नाटक शुरू होता है और आश्विन महीने तक चलता है, यानी भाद्रपद के 28, 29, 30 जितने भी दिन होंगे उन दिनों में और बचे हुए आश्विन मास में। तो भाद्रपद महीना किस महीने की समाप्ति पर आता है? सावन महीने का। इसका मतलब सावन पूरा होते ही रम्मत हो जाएगा। अब सावन में कौन सा त्यौहार आता है? गणगौर? नहीं, गणगौर तो चैत्र में आता है। दशहरा? नहीं, दशहरा तो आश्विन में आता है। होली? नहीं, होली तो फाल्गुन में आता है। तो सावन का समापन रक्षाबंधन से होता है, रक्षाबंधन के अगले दिन गौरी नाट्य प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? गिद्दड़ नृत्य किस क्षेत्र का लोकप्रिय है? शेखावाटी, जालोर, भरतपुर, अलवर। बताइएगा किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है गिद्दड़? अलवर भरतपुर का तो नहीं है। किस क्षेत्र को बोलते हैं मेवात? और मेवात वाले क्षेत्र का फेमस नृत्य है बम। बम के अलावा है चरकुला, चरकुला के अलावा है हुरंगा। हुरंगा बताओ कौन सा? हुरंगा। हुरंगा, चरकुला, बम, चरवा, ये मेवात वाले क्षेत्र में डांस होते हैं, तो यहाँ का तो नहीं है। जालोर, जालोर का अंदर फेमस नृत्य है ढोल। ढोल के अलावा लुम्बर। ढोल और लुम्बर नृत्य किस क्षेत्र का है? जालोर का फेमस है। तो गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का फेमस है, जिसमें आपका साधु, दूल्हा, दुल्हन, डाकी, डाकण ऐसे तरह तरह के कपड़े पहन करके इस नृत्य में शामिल होते हैं। ये आपका होली के अवसर पर फाल्गुन वाले महीने में शेखावाटी में होने वाला नृत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भील जनजाति से संबंधित है? इनमें से कुछ डांस है जो भील जनजाति से संबंधित है, वो अपने को छांटना है कौन सा संबंधित है। वालर, वालर बिलों से संबंधित नहीं है। वालर ग्रासिया जनजाति से संबंधित है, ग्रासिया। बिना वाद्य यंत्र आयोजित होने वाला नृत्य कौन सा है? वालर है। 30 अप्रैल 1991 को 2.5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था। बम? नहीं। तेरा ताली तो कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है, कामड़िया पंथ की महिलाएं। उत्तर होगा राई नृत्य। राई बोल दो, चाहे इसी को बोल देते हैं गौरी, या बताओ कौन सा राई नृत्य, ये भील जनजाति से संबंधित होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये थे दोस्तों आपके कक्षा 9 राजस्थान अध्ययन RBSE की किताब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे अपनी अगली सीरीज में। उम्मीद करता हूं कि ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता होगा। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। फिर अगली सीरीज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को ऑल द बेस्ट। सादर वंदे। राम राम सब।